बेसिकली आपके दिमाग में जो भी है आपने वो एक्सप्रेस करना है कागज के ऊपर। जो भी हम बातें कर रहे हैं बहुत सिंपल है, मेन चीज क्या है, ये जो एस्पेक्ट्स है सच में आप कर पाते हो कि नहीं। आज हम सारी बातें कर लेंगे। अच्छा ऐसा कर सकते हैं, डायग्राम ऐसे बन सकते हैं, ड्राइंग जैसे बनाई जा सकती है, दिमाग में क्या रखना है। बट देखो असली बात क्या है कि ये जितने भी एस्पेक्ट्स हैं ये सच में पेपर पर आ पाए। हम सच में जब आंसर लिख रहे हैं तो वो चीजें हम एक्सप्रेस कर पाए जिसकी वजह से हमको मार्क्स मिले। और इन जनरल अगर हम आंसर राइटिंग की बात करते हैं ना, तो जो आपके दिमाग में है एक कागज पे एक्सप्रेस करना है, ठीक है, दूसरे को समझाने की कोशिश करनी है, और एक गैप नहीं आना चाहिए। मतलब जो मैं किसी और को समझाना चाह रहा हूं वही बात एग्जैक्ट उसको अगर पता लग जाए तो मेरा काम खत्म हो गया। आंसर राइटिंग पे इतना फोकस हम क्यों करते हैं, ठीक है, अगर जैसे हम आज डिस्कस करेंगे कि आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग क्या है, देखो वर्ड्स मैटर करते हैं। क्या जो भी एग्जामिनर है जो आपकी कॉपी देखेगा क्या उसको कुछ समझ, ये बातें उसको पता होंगी कि कौन है जिसने आंसर लिखा था, ठीक है, उसको नहीं पता कि आंसर लड़का लिख रहा है या लड़की लिख रही है। जैसे हम बात करते हैं रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है, ये बातें नहीं पता लगती, ठीक है। वहां पर सिंपली क्या है, आपकी कॉपी उनके सामने है और वो ये देखेंगे कि इस इंसान ने अपना आंसर कैसे एक्सप्रेस किया है, एस्पेक्ट्स ठीक लिखे हैं या नहीं लिखे हैं, और उसके बेसिस पर वो मार्क्स आपको देंगे, ठीक है। तो यहां पर आपकी जो डेप्थ ऑफ नॉलेज, जिसे हम कहते हैं ना कि जिस प्रकार के शब्द आप यूज करते हो उससे ये समझ आता है कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आपको नॉलेज कितनी है, तो इस चीज पे फोकस करना। देखो जो आप शब्दों का प्रयोग करोगे ना, लैंग्वेज का प्रयोग करोगे, इससे आपकी पर्सनालिटी की डेप्थ समझ आती है। इसीलिए हम ये बात कहते हैं कि वर्ड्स मैटर करते हैं। आपकी पर्सनालिटी कैसी है, अगर एक्सेसिव क्रिटिसिज्म है, कुछ भी लिख रहे हैं बार बार बस गलत ही, मतलब एक नेगेटिव एस्पेक्ट ही दिख रहा है, पॉजिटिव एस्पेक्ट दिख ही नहीं रहा है, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आपका दिमाग कैसे डेवलप हुआ है, ये सारे एस्पेक्ट्स हमारे वर्ड्स। इसीलिए हम एक बात कहेंगे कि इनिशियली आपने जिन जिसने होता है कि जो शब्द आप प्रयोग कर रहे हो प्रिसाइज होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए, क्योंकि क्लैरिटी ऑफ थॉट, अगर आप कनेक्टिविटी से लिख रहे हैं तो क्लैरिटी ऑफ थॉट दिखती है और ये चीज समझ आती है कि जो इंसान बात कर रहा है ना वो इसके दिमाग में खुद क्लियर है। नहीं तो एक शब्द होता है बीटिंग अराउंड द बुश, इसको आइडिया तो नहीं है, बस आंसर बनाने की कोशिश कर रहा है, तो ये चीज नहीं लगनी ऐसा, एक तो आपके दिमाग में भी नहीं होनी चाहिए और दूसरा एग्जामिनर के सामने एक्सप्रेस भी नहीं होनी चाहिए। तो इस चीज को ध्यान रखना कि आंसर राइटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसीलिए कि एग्जामिनर आपको आप क्या लिख रहे हो उससे मैटर करेगा, उससे आपको डिफाइन करेगा, उसके बेसिस पर मार्क्स देगा, और यहाँ पर आप किस प्रकार के शब्द यूज कर रहे हो ना इस पे वो मैटर करता है। जब हम वर्ड्स की बात करते हैं तो यहाँ पर जो हम बात करते हैं क्लैरिटी ऑफ थॉट, एक कॉन्टिन्यूटी होनी चाहिए, जो आप जब भी आप कोई आंसर लिख रहे हो, देखो अगर कॉन्सेप्ट खुद को ही नहीं समझ आया तो आप दूसरे को नहीं समझा सकते ना, और अगर आप समझा रहे हो तो वही एक कॉन्टिन्यूटी, जो हम क्लैरिटी ऑफ थॉट की बात कर रहे हैं ये चीज होनी चाहिए। क्योंकि ओवर द पीरियड आप क्या करोगे, जब आप आंसर लिख रहे हो आप एक क्या कर रहे हो, अगर क्वेश्चन कोई पूछ रहा है, कोई प्रॉब्लम आपके सामने रख रहा है, आप एक प्रैक्टिकल अप्रोच, एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन देने की कोशिश कर रहे हो, है ना। तो वो जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं, जो प्रैक्टिकल अप्रोच है, वो आपके रिटन जो एक्सप्रेशन है उसमें आनी चाहिए, ठीक है, एक दिखना चाहिए कि जो इंसान है ना इसकी जो क्लैरिटी है माइंड की, जो इसके थॉट्स हैं, जो सॉल्यूशंस इसके पास हैं, क्या ये आंसर में एक्सप्रेस कर पा रहा है, ठीक है। जो आपके इतने सालों की इन्वेस्टमेंट है, मेहनत है, वैसे नहीं दिखने वाली, किसी को ऐसे नहीं होगा आंसर में नहीं लिखा होता 3 साल से तैयारी कर रहा है, 2 महीने दे दिए हैं, इंटरव्यू दे दिया है, ठीक है, वहां सिंपली आंसर वही रहेगा कि आप किस तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे हो, ये चीज सबसे ज्यादा फोकस्ड में रहेगी। यहाँ जब आंसर लिखने की कोशिश करते हैं तो पहला क्वेश्चन ये आता है कि जैसे कई लोग बोलते हैं कि क्या चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कंटेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है या मेरी प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है। एक एग्जामिनर के पर्सपेक्टिव से सोचो, एक इंसान है जिंदगी भर कॉपी चेक करिए, ठीक है, बुजुर्ग हैं, बैठे हुए हैं, एक जैसे आंसर पढ़ रहे हैं, आप एक चीज बताओ, अगर खुद खुद को वहां रखो ना जहां एक एग्जामिनर है, और इस चीज को समझने की कोशिश करो कि वो इंसान क्या आपकी कॉपी से कुछ सीख पाएगा। आप कोई ऐसी कोई ताड़फाड़ चीज बता दो, कोई अलग सा कॉन्सेप्ट बता दोगे, है
है ना, अब वो कह रहे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या है, कास्ट टोपोग्राफी क्या है, कुछ इसमें तुम नया पैदा कर सकते हो, सिंपल चीज। और मेजॉरिटी चीजें ऐसी होंगी पेपर में, एग्जामिनर को आंसर भी पता है, आंसर की है उसके पास, बार बार सेम आंसर्स वो पढ़ रहा है, ठीक है, क्या कंटेंट इंपॉर्टेंट है, ऑब्वियसली उसने आंसर पढ़ा और वो गलत पढ़ा तो क्या होगा, मार्क्स कटेंगे, ठीक है ना, मार्क्स देगा इंसान कंटेंट पे ही, अगर आप कंटेंट नहीं लिख रहे हो, अच्छा चीजें नहीं लिख रहे हो तो ऑब्वियसली मार्क्स नहीं मिलेंगे। लेकिन फिर दूसरा क्वेश्चन आता है कि क्या प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है, देखो पढ़ने का मन करेगा तभी तो कंटेंट पढ़ेगा, ठीक है, अगर पढ़ा ही नहीं तो कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे, बहुत सिंपल बात ये। तो पहली बात क्या है कि उस इंसान के सामने अगर प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं, अगर आपने अच्छे से आंसर नहीं लिखा है, प्रेजेंट नहीं किया है, तो ऑटोमेटिकली ऑब्वियसली वो इंसान उसको नहीं पढ़ेगा, ठीक है, और अगर वो आपका आंसर नहीं पढ़ रहा है तो मार्क्स अच्छे नहीं देगा। इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ वो ढंग से, बस ये होता है ना कि अगर इजिली आपको आंसर दिख रहा है, इजिली उसमें समझ आ रहा है कि अच्छा इतने पॉइंट्स है, जल्दी से मार्क्स दे दो, जितना आप एग्जामिनर का काम आसान करोगे वो आपको ज्यादा मार्क्स देगा, बस ये बेसिक फैक्ट है, ठीक है। तो जब हम यहाँ पे बात कर रहे होते हैं कि प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है, कंटेंट, कई लोग बोलते हैं नहीं बस नॉलेज चाहिए, प्रेजेंटेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, चाहिए ऑब्वियसली, है ना, कंटेंट तो चाहिए बट प्रेजेंटेशन नहीं तो पड़ेगा नहीं। दूसरा कोई बोले कि नहीं नहीं यार प्रेजेंटेशन ही मैटर करती है, फ्लावरी वर्ड्स लिख दो, उनको एक ऐसा इंसान चाहिए ना जिसने स्टेट चलानी है, एटलीस्ट डिस्ट्रिक्ट का काम एक इंडिविजुअल के पास, और डिस्ट्रिक्ट इतनी बड़ी होती है, तो दोनों चीजें इंपॉर्टेंट, जैसे हम यिन यांग की बात करते हैं ना, तो बैलेंस होना चाहिए, तो यहाँ एक बैलेंस आपको क्रिएट करना पड़ेगा आंसर राइटिंग के अंदर। तो यहाँ अगर जैसे कि ओवरऑल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए क्या रहेगी, ना पहली बात तो यही होती है कि उन्होंने जो बातें कही है, उन्होंने क्या इंस्ट्रक्शन दी है वो हमको पता होनी चाहिए, ठीक है, तो किस चीज पे वो फोकस कर रहा है, ठीक है, कौन कौन सी इंस्ट्रक्शन की बात होती है, तो पहले कहा जाता है प्लीज रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली बिफोर अटेम्प्टिंग द पेपर, कितने क्वेश्चन होंगे, 28 ना, 28 क्वेश्चंस है, कंपल्सरी 28 ही पूछने हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना, जैसे यूपीएससी में वैसा हुआ था, बीच में शिफ्ट किया जा सकता है शिफ्ट, तो इसके लिए भी रेडी रहना, ऐसा नहीं अरे जी पैटर्न चेंज कर दिया, है ना, और ये एक रीजन हो जाए हमारे सिलेक्शन ना होने, छोटी छोटी चीजें, इतनी बड़ी चीज नहीं है। अब इस चीज को समझना, किसमें हिंदी इंग्लिश दोनों में छपे हुए क्वेश्चन, सारे कंपलसरी है, ऑप्शंस नहीं रहेंगे, आप छोड़ नहीं सकते, है ना, जीएस में ये ध्यान रखना, और जो खुद लिखा है राइट आंसर्स इन लेजिबल हैंड राइटिंग, अगर समझ नहीं आएगा तो मार्क्स नहीं देंगे, तो कह रहे हैं कि कंपलसरी ये लेजिबल हैंड राइटिंग में लिखो, फिर आंसर मस्ट बी रिटन इन ये इंग्लिश और हिंदी, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, कीप द वर्ड लिमिट इंडिकेटेड इन द क्वेश्चन इन द माइंड, क्या कह रहे हैं, वर्ड लिमिट का ध्यान रखो, तो इस चीज को आपने स्टार्टिंग से इस चीज का ध्यान रखना है, वर्ड लिमिट, ठीक है, क्या हम ज्यादा लिख सकते हैं शब्द, जैसे कई बार ऐसा आता है क्या गिनने की जरूरत है, कहीं सर एक आधा शब्द ऊपर नीचे कर दिया, तो खुद सोचो यार, अगर एग्जामिनर हो क्या आप गिनने लगोगे, नहीं कोई नहीं गिनेगा, ठीक है, बस बात है अगर आप ज्यादा लिख रहे हो, इस चीज को समझना आपका ही नुकसान है, पहली एक तो ये कि देखो स्पेस फिक्स्ड है, लेकिन वो स्पेस थोड़ा बड़ा होता है, आप थोड़ा ज्यादा लिख सकते हो, क्या चीज ध्यान में रखने की जरूरत है, अगर आप ज्यादा लिखोगे आप पेपर पूरा नहीं कर पाओगे, ऐसा कईयों के साथ होता है, 4 मार्कर इतने ज्यादा लिख, अब देखो ना जैसे मान लो 20 मार्कर है, अगर 20 मार्कर लिख, कई लोग 1 घंटा लगा देते हैं, 25-25 मिनट एक क्वेश्चन में हो जाता है, 1.5 घंटा लग जाता है, अब समझ रहे हो, अगर आप आराम से लिखने पे हो, कॉलेज को ध्यान में रखो ना, कॉलेज टाइम में 3 घंटे होते थे, 5 क्वेश्चन लिखने होते थे, ठीक है ना, पहले 1.5 घंटे में कितने क्वेश्चन, कई बार तो 2 ही क्वेश्चन 1.5 घंटे में लिखे जाते थे, 1 घंटा मिनिमम, यहां अगर ऐसा करोगे तो क्या होगा, अगर 1.5 घंटा निकल जाएगा, तो इस चीज को समझना, हाँ बट ऑब्वियसली अगर आप ये वर्ड लिमिट को ध्यान में रखोगे आपका ही फायदा है, ठीक है ना, और हाँ एग्जामिनर भी एक्सपेक्ट कर रहा है, फिर एनी पेज और पोर्शन ऑफ द पेज लेफ्ट ब्लैंक, तो ये क्लियरली स्ट्रक ऑफ करो, और री इवेल्युएशन अलाउड नहीं है, तो ये आसो, तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या बात की जा रही है, वर्ड लिमिट का ध्यान रखिए। इसके बाद क्वेश्चंस के ऊपर लिखा होता है अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, और देखो कंटेंट ऑफ द आंसर आर मोर इंपॉर्टेंट देन देयर लेंथ, खुद कह रहे हैं कंटेंट इज द किंग, आपको ये चीज ध्यान रखनी है एग्जामिनेशन में, जब भी होता है हर एक क्वेश्चन, जैसे ना वो स्लॉट्स होते हैं, जैसे 1 से 15 क्वेश्चन है, हर एक के ऊपर ये बात लिखी होती है कि कंटेंट ऑफ द आंसर इज मोर इम्पोर्टेंट देन देयर लेंथ, जैसे कई बार लोग बोलते हैं भरना जरूरी है,
रेलिवेंट चीज लिखना जरूरी है, क्योंकि ऐसा भी हुआ है बच्चों ने पूरा पूरा भरा हुआ था, 0 मार्क्स दिए, अगर उसमें रिलेटेड कंटेंट नहीं। देखो जो एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, अगर आप उसको रिड्रेस नहीं कर रहे हो, आपको आंसर नहीं मिले, मार्क्स नहीं मिलेंगे। सके लोग बोलते हैं कि कुछ भी लिख के आ जाओ, कुछ भी नहीं लिख सकते। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको आपका नहीं, मान लीजिए जैसे प्रेस्ट्रॉयका ग्लासनोस्ट का एक बार क्वेश्चन आया था कि क्या है, अब नहीं था लोगों को पता। अब ऐसे क्वेश्चन में आप कितना ही मतलब कुछ भी कर दो, अगर वो रिलेटेड नहीं है, मार्क्स नहीं मिले। ठीक है, तो बहुत क्लियरली बता रहे, कंटेंट ऑफ द आंसर आर मोर इम्पोर्टेंट देन देयर लेंथ, तो कंटेंट हमारा किंग रहेगा। तो इस चीज को समझने की कोशिश करो कि फिक्स्ड क्या है। तो जैसे हम कहते हैं कि स्पेस है, कई बार स्पेस इन्होंने कम दिया, जैसे पहले लाइंस लगाते थे, फिर खाली देना शुरू कर दिया जगह को, पहले स्पेस जगह का कम था, फिर इन्होंने स्पेस बढ़ा दिया। तो क्या मैं स्पेस को दिमाग में रख के आंसर लिखूं? कौन सी ऐसी चीज है जो फिक्स्ड है? टाइम। ठीक है ना, एग्जामिनेशन हॉल में हमारा टाइम फिक्स्ड है, इस चीज को समझने की कोशिश करो और इस पे वर्क किया जा सकता है। इसके अगर आप इसी को स्टार्टिंग से ध्यान में रखो, जैसे आप आंसर्स लिख रहे हैं, आंसर्स लिखते हुए अगर हम इस चीज का ध्यान रखें कि 3 घंटे का टाइम है, अब देखो क्वेश्चन कम भी हो जाए चाहे ज्यादा भी हो जाए, मुझे क्या, देखो मार्क्स फिक्स्ड है, टाइम फिक्स्ड है, इन दोनों के एक कनेक्ट करके अगर मैं स्टार्टिंग से अंडरस्टैंडिंग रखूं, अच्छे से आंसर अटेम्प्ट होगा। तो इस चीज को ध्यान रखना कि टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसको आप लिमिट करो, इसके हिसाब से आप एग्जामिनेशन के हॉल में सोच सकते हैं कि मैंने कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना है। तो टाइम जो हम बात कर रहे हैं, टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाए एग्जामिनेशन हॉल के अंदर, इनिशियल ही ऐसा हो सकता है ना, देखो हम अपने दिमाग में ही स्टार्टिंग से कुछ एक इमेज से बना के रख सकते हैं कि हमने किस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करना है। देखो जब हमको पहली बार क्वेश्चन मिलता है, क्वेश्चन पेपर मिलता है, ठीक है, तो यहां इसमें कुछ चीजें देखी जा सकती है। जैसे एक क्वेश्चन पेपर को देखते हैं, मान लीजिए हमारे पास ये पेपर है ना, पेपर 1। तो सबसे पहले क्या करना होता है पेपर में, आपने क्वेश्चन पढ़ने होता है। तो यहाँ पर क्या बात की जा रही है, 1 से 15 है, 60 वर्ड्स एक सीट नहीं होना चाहिए और 4 मार्क्स के रहेंगे। तो जब आप पहली बार पेपर को पढ़ रहे हो, इस चीज को समझो ना कि जब आप इनिशियली पेपर को पढ़ना शुरू करोगे, किस किस तरीके के क्वेश्चन होंगे, देखो जरूरी नहीं है आपको सब क्वेश्चन आते हैं। तो पहले तो क्या, हम एक बेसिक टाइम लिमिट अपने दिमाग में लेके चलेंगे, और उसके बाद हम ये भी समझेंगे कि पेपर में भी हमको थोड़ी शिफ्टिंग करनी पड़ती है। कई बार कुछ क्वेश्चन आते हैं, कई बार कुछ, जब मान लो प्रेस्ट्रॉय का ग्लासनोस्ट आ गया, छोड़ दिया अगर नहीं पता है, तो उस टाइम पे वो टाइम बच गया ना, अब उसको रीएलोकेट कैसे करना है। तो देखो किस किस तरीके के क्वेश्चन होंगे, अगर हम यहाँ पर देखें, क्रिटिकल नोट ऑन सिपॉय म्यूटनी बिफोर 1857 रिपोर्ट, तो यहाँ पर सिपॉय म्यूटनी के बारे में बताना है, तो ये चीज पता होगी हमको, तो एक डायरेक्ट क्वेश्चन था तो लिखना है। फिर उसके बाद राइट द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ना बहराम जी मालाबारी, एक डायरेक्ट क्वेश्चन है। अब इसमें ऐसा है कि आपको आता है कि नहीं आता है, अगर तो आपको नहीं आता है तो इन थोड़ा सा सोच के लिखेंगे, फिर कि एक सोशल रिफॉर्मर है तो बेसिक सोशल रिफॉर्मर के बारे में चीजें लिखी जा सकती है, अगर एग्जैक्ट बातें पता है तो वो चीज, तो इसमें थोड़ा सोचना पड़ सकता है ना। बाकी चार्टर एक्ट ऑफ 1813 है, बेसिक फैक्ट बताने और साथ में क्रिटिकल नोट कहा है, तो हाँ थोड़ा सा सोचना भी पड़ेगा। देखो ना दो तरह के क्वेश्चन, तो कुछ क्वेश्चन कैसे हैं जो डायरेक्ट है, ऑलरेडी हमको आता है, घर से पढ़ के गए, 1857 आपको पता होगा, 1813 पता होगा, फिर गिव एन अकाउंट ऑफ 3 इंपॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ वॉइसरॉय लॉर्ड चेम्फोर्ड पीरियड। तो कुछ सीधे क्वेश्चन है, इनिशियली हमने क्या करना है, हमने क्वेश्चंस देखने हैं, और इन जनरल भी पेपर को समझने की कोशिश करो, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमको आते होंगे। ठीक है, घर से हम पढ़ के गए हैं, वहां सिंपली उनको छाप के आना है, बस ये है कि एग्जैक्टली किस तरीके से पूछा है। मान लीजिए यहां पर क्वेश्चन पूछा था, अभी क्रिटिकल नोट है तो आपको एक्सप्लेन तो करना ही है, पॉइंट्स तो बतानी है, साथ में थोड़ा सा एक एनालिसिस भी देना पड़ेगा कि इसका इम्पैक्ट क्या रहा, ठीक है, क्यों आया था, किस तरीके से, जिसने इसके जो प्रोविजंस होंगे साथ में उसको आपको इवेल्युएट भी करते रहना पड़ेगा, क्रिटिकली एनालाइज भी करते रहना पड़ेगा। ठीक है, ज्योग्राफिकल नोट ऑन इफेक्ट ऑफ झूमिंग ऑन दिस सॉइल, ठीक है, तो यहाँ झूमिंग एक तो क्या है ये पता होना चाहिए, दूसरा उसका इम्पैक्ट, उसका इफेक्ट आना। देखो कुछ क्वेश्चंस डायरेक्ट है, अब मानतलाई है ना, मानतलाई अगर आपको पता है तो फिर आपके लिए डायरेक्ट है, अदरवाइज है ना फिर हिट करना थोड़ा टफ हो जाएगा। हाउ टेक्नोलॉजी इज हेल्पफुल इन ब्रिंगिंग ट्रांसपेरेंसी एंड ऑब्जेक्टिविटी,
ठीक है, तो ट्रांसपेरेंसी ऑब्जेक्टिविटी दो शब्द ऑब्वियसली आप घर से पढ़ के गए होंगे। अब यहां पर क्या है कि कैसे अब टेक्नोलॉजी हेल्प कर रही है, तो इस टाइम पर क्या होगा, थोड़ा सा सोच के लिखना, ठीक है ना, ये दो पॉइंट्स कैसे अचीव हो रहे हैं टेक्नोलॉजी के थ्रू। तो देखो आप साथ साथ में इस तरह से भी सोच सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है या ये डायरेक्ट है, कुछ इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, कौन सा डायरेक्ट है कौन सा इनडायरेक्ट है, मैंने पहले कौन सा करना है, कौन सा क्वेश्चन मैंने बाद में करना है, इस तरीके से आप इवैल्यूएट कर सकते हैं। तो हाउ कल्चरल टूरिज्म इज टूल फॉर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन हिमाचल प्रदेश। तो एक कल्चरल टूरिज्म क्या है ये पता होना चाहिए, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हिमाचल प्रदेश में कैसे ये कर रहा है। देखो ये क्वेश्चन कैसा है, क्या ये सोच के लिखना पड़ेगा, इस चीज को समझ रहे हो, आपने कल्चरल टूरिज्म की आपको अंडरस्टैंडिंग है, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश की अंडरस्टैंडिंग है, फिर भी आंसर लिखते हुए थोड़ा सोच के आंसर लिखना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं होगा ना कि इमीडिएटली मैंने पहले से पढ़ा हुआ था और मैं ये क्वेश्चन बना, वहां बनाना पड़ेगा। तो अलग अलग तरीके के क्वेश्चन हम देख रहे हैं, कुछ क्वेश्चन हमारे ऐसे हैं, अब जैसे डिस्कस बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बर्थ एंड डेथ किनौरा ट्राइब का डायरेक्ट क्वेश्चन है, क्या इसमें सोचने की कुछ जरूरत है, आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता। तो ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन है जो सिंपली आपने हिट करना है। हाउ फार डू यू एग्री रिक्रिएशन एंड अम्यूजमेंट आर बिकमिंग पार्ट ऑफ कल्चरल टूरिज्म इन हिमाचल प्रदेश, कैसे ये रिक्रिएशन और अम्यूजमेंट है ना, किस तरीके से कल्चरल टूरिज्म का पार्ट हो रहा है। अब देखो ये क्वेश्चन है, सोच के करना पड़ेगा, घर से तो नहीं बना होगा ना क्वेश्चन, अब समझ रहे हो। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो डायरेक्ट है, अटेम्प्ट किए जा सकते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो इनडायरेक्ट होंगे, वहां हमको सोचना पड़ रहा है, और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं जो छोड़ने पड़ेंगे, नहीं आता, बिल्कुल ही पता नहीं लग रहा है, तो यार रादर देन वेस्टिंग योर टाइम ऑन दैट आप कुछ और कर सकते हो, ठीक है। अगर बट जनरली ऐसे क्वेश्चन नहीं होते, आप थोड़ा बहुत पॉइंट्स हर एक में डाल सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये अंडरस्टैंडिंग लेना कि पेपर कैसा है, ठीक है, जब भी आप एग्जाम स्टार्ट कर रहे हो और इन जनरल, और ऐसा हो सकता है एग्जाम में एक एक क्वेश्चन तो हो ही सकता है कि जहां पर आपको पता ही नहीं लग रहा हो कि कैसे अटेम्प्ट करना है। तो टाइम की अंडरस्टैंडिंग, टाइम को अगर हम ध्यान में रखते हैं तो यहां जैसे हम बात करें कि टाइम मैनेज आपने करना है, टाइम मैनेजमेंट के एस्पेक्ट्स देखने हैं, तो इसमें स्पेसिफिकली किस तरीके से आप टाइम को मैनेज कर सकते हो या कम समय हम कैसे लगाएं, है ना, दो बातें हम कहते हैं, एक तो प्रिसाइज एक कंसाइज, आपकी राइटिंग कैसी होनी चाहिए। प्रिसाइज अगर हम बात कहें क्या होता है, एग्जैक्ट बात लिखनी, ठीक है, जैसे कोई भी हम बात करें एक्शन है, वर्ब्स है, एडजेक्टिव्स है, बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, एग्जैक्ट शब्दों का प्रयोग करो कंसाइज्ड वे में। और कंसाइज क्या रहेगा कि आप चीजों को जब लिख रहे हो जितने कम शब्दों का प्रयोग कर सको उतना करो। कैसे होगा, तो एग्जाम में ये चीजें सोची नहीं जाती, ये क्या है, जब आप तैयारी कर रहे हो तैयारी के टाइम पर आपने ये चीजें सीखनी, जब आप खुद प्रिपरेशन कर रहे हो, जब आप आंसर राइटिंग कर रहे हो घर पे, जब आप टेस्ट सीरीज लिख रहे हो, तो आपने दो चीजों का ध्यान रखना है, कैसे चीजों को प्रिसाइज किया जाए, कैसे उसको कंसाइज किया जाए, ठीक है। तो क्या नॉर्मली क्या होता है, जब आप आंसर राइटिंग करोगे, अगर कोई इंसान पहली बार आंसर राइटिंग करता है तो उस टाइम पे क्या होगा, जो भी चीज आपके दिमाग में आ रही है आपने लिखनी, स्टार्ट यहां से होता है ना, आपको जितना याद आ रहा है जैसा याद आ रहा है उसको लिखो, फिर क्या होगा जब आप उसको पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा, अरे ये चीज एक्स्ट्रा लिख दी, ये जरूरत नहीं थी, कुछ चीजें ऐसी थी, अच्छा ये बड़ी रिलेवेंट थी और ये मैंने नहीं लिखी, और फिर छोटा कैसे किया जा सकता था, एक सेंटेंस को कैसे छोड़, वो भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे एक बार आंसर लिखा, फिर जब आप उसको इवैल्यूएट कर रहे हो उस टाइम पे और क्या किया जाता है, यही चीजें देखी जाती है कि मैं इस चीज को कम शब्दों में कैसे लिख सकता था, प्रिसाइजली कैसे लिख सकता, उससे फायदा क्या होता है, जो मेन कंटेंट होता है जो आप डिलीवर करना चाहते हो, मेनली देखो है क्या, गेम का एक ही है, कीवर्ड्स की है, कोई भी ज्ञान है वो क्या है, कोई भी सब्जेक्ट है वो क्या है, सिंपली कीवर्ड्स है, ठीक है। साइंस का मतलब क्या है, साइंस के कुछ 50-100 वर्ड्स हैं, अगर आपको समझ आ जाते हैं तो आपको साइंस आती है, अगर एक जैसे टॉपिक में, एक टॉपिक में 40-50 वर्ड्स होंगे, ठीक है, तो बस वर्ड्स को अंडरस्टैंड करना है। तो यही एस्पेक्ट अगर आप समझे, तो अगर वो वर्ड मेरा सेंटेंस में स्टार्टिंग में होता, जब बड़ा ही विजिबल होता, अंडरलाइंड होता, तो ऑब्वियसली अच्छा लगेगा। तो अगर चीजें छोटी हों और एग्जैक्ट वर्ड्स हों वो हेल्पफुल कर, तो और इसमें कहीं ना कहीं जिसे कहते हैं कि मेरा तो पेपर ही बुरा नहीं हो रहा है, इससे टाइम मैनेजमेंट में हेल्प होती है, और इन जनरल भी आपके एग्जामिनेशन में ये जरूरी रहेगा, ठीक है। एक कंटेंट क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी की जो बात है,
कि क्योंकि देखो ना ये सारी चीजें आपके टाइम को इम्पैक्ट करेगी, ठीक है। तो अगर ये बात हो रही होती है कि कैसा मैं क्वालिटी लिखना चाहिए मेरे को कि क्वांटिटी लिखनी चाहिए, अब इसका भी आपको क्या लगता है क्या आंसर रहेगा? दोनों चाहिए है ना, और ऑब्वियसली फर्स्ट प्रायोरिटी क्वालिटी है, ठीक है। बट देखो पेपर में अगर ऐसा होता है कि आप थोड़ा सा लिख दिया, अब होता है ये एक्सपेक्टेशन भी होती है कि इतने पॉइंट्स तो इसके अंदर होने ही चाहिए, तो हाँ आपको पॉइंट्स भी, ऐसा होता है कि एक चार मार्कर है, चार मार्कर में आप एक बात लिख के आ जाओगे तो कितना बड़ा क्वालिटी पॉइंट है, या क्वालिटी के आपने दो पॉइंट लिख दिए कितने मार्क्स मिलेंगे? एक नंबर, दोनों का आधा आधा नंबर दे दिया, एक नंबर बन गया अगर आपने दो पॉइंट्स लिखा। आप इस चीज को समझो ना, हाँ क्वालिटी तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कितना एक्सपेक्ट किया जा रहा है, तो दोनों चीजों की इम्पोर्टेंस है। बट हाँ ज्यादा प्रायोरिटी आप दे सकते हो क्वालिटी को, बट पेपर भरना भी है, तो इसका मतलब क्या है, स्पीड भी होनी चाहिए। अगर मेरे दिमाग में पॉइंट इशू ये आता है, लोग पेपर ही नहीं पूरा कर पाते, और ऐसा नहीं उनको आता नहीं है, बस ये होता है कि जी पूरा नहीं कर पाया, लिख नहीं पाया, तो उसमें बेसिस का आ रहा है, एक तो स्पीड नहीं थी ठीक, और दूसरा अगर हम ओवरऑल बात करें टाइम अच्छे से मैनेज नहीं हुआ। देखो अगर आपकी स्पीड कम है तो आपको उस हिसाब से मैनेज करना पड़ेगा। देखो इस टाइम पर आके हम ये नहीं बोल सकते ना, ठीक है देखो स्पीड अगर बढ़ा सकते हो तो बढ़ाओ, लेकिन अगर एग्जामिनेशन से एक महीना पहले बचा है तो अब तो ये देखना ना मेरे तर्कश में जो बाण है उसका बेस्ट यूज कैसे किया जा सकता है। मेरी स्पीड अगर कम है मेरे को पता है, ठीक है मैं पॉइंट बनाऊंगा, थोड़ी जगह रखूंगा, स्पेस रखूंगा बीच में, ठीक है ना, अंडरलाइन करूंगा, तो ये एस्पेक्ट, तो अपनी जो आपकी ऐसा होता है कि पावर्स है, अपनी जो क्वालिटीज है, पहले तो उनको आइडेंटिफाई करो और फिर उसको अप्लाई करो, ठीक है। अब ये चीज, और हर एक इंसान का तरीका अलग है, ठीक है, हर तरह के बच्चे ने टॉप किया हुआ है, कुछ बच्चे होते हैं उनकी राइटिंग बहुत छोटी होती है, अमित है, अमित की राइटिंग छोटी थी, रैंक वन है, क्या करता था वो डायग्राम्स बना देता था, क्लाउड बना देगा बीच में, ठीक है ना, डायग्राम बॉक्सेस बना, तो ऑटोमेटिकली उससे जगह भी भर रही है, तो हर एक इंसान का तरीका अलग है, ठीक है ना। और लोगों ने भी रैंक्स लाए हैं, ज्यादा लिख रहे हैं, ठीक है, उनकी किसी की ऐसा होता है कि स्पीड ज्यादा है तो ज्यादा वर्ड्स इनकलकेट कर सकता है, बट हाँ दोनों चीजों पर ध्यान रखना अगर हम बात करेंगे यहाँ पर क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी डिबेट में, तो टाइम, ठीक है, किस तरीके से हम टाइम को प्लान आउट करें, यूज करें ओवर द पीरियड, इस चीज को देखते हैं। तो देखो सबसे पहले जो हम एस्पेक्ट कह रहे हैं, पेपर है ढंग से पढ़ें, डिस्ट्रीब्यूशन को समझें, और पहले से एक प्लानिंग करके रखें। जैसे अभी हमने पेपर को देखा था कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, पेपर देखो स्टार्टिंग में और समझो कितने क्वेश्चन है जो डायरेक्ट है, कितने क्वेश्चन है जो थोड़े इनडायरेक्ट रहेंगे, और कितने क्वेश्चन है जो मैं छोड़ रहा हूँ। वैसे नॉर्मली ऐसा नहीं होता है ना, एक आधा क्वेश्चन, बट अगर हो तो डरने की जरूरत नहीं, अगर आपको छोड़ना पड़ रहा है इतना पढ़ के तो किसी से नहीं किया जा रहा होगा, सबकी हालत एक जैसी होती है। अब कोई एक बंदा होता है जिसको जैसे ना प्रीलिम्स में कई बार क्वेश्चन आता है, ऐसी जगह कहाँ है, कौन सी है, 1 किलोमीटर पीछे तक पानी रिसीड कर जाता है, अब जिसके घर के पास होगा उसको पता होगा, या कैडबरी में लिखा हुआ था वो पर्क में शायद, तो जिसने वो पढ़ लिया पढ़ लिया, ज्यादातर को नहीं पता, तो वो कंपटीशन का हिस्सा नहीं है वो चीज, इस चीज को समझो, अगर मेजॉरिटी को नहीं आता तो वो चीज कंपटीशन का हिस्सा नहीं है। तो जो ये प्लानिंग इन एडवांस की अगर हम बात करते हैं तो कैसे प्लान करें, तो कुछ चीजें हैं जो फिक्स्ड है, यहाँ पर आपको ये चीज देखनी है कि 1 से 15 जो क्वेश्चन है ये है ना, शुड नॉट एक्सीड कितना वर्ड्स, 60 वर्ड्स, तो 60 और पहला जो क्वेश्चन रहेंगे 1 से 15 चार मार्क्स के हैं, तो ये चीज फिक्स्ड है फिलहाल, चार मार्क्स रहेगा और 60 वर्ड रहेगी। जब हम पेपर पढ़ रहे हैं स्टार्टिंग में, तो एक चीज समझ, देखो कुछ टाइम ऐसा रख लो, 4 से 5 मिनट ऐसा है ये फॉर्म वगैरह फिल करने के लिए होता है, ये वैसे ही टाइम वेस्ट हो जाता है, कोई आ रहा है आपसे मिल रहा है, हाँ जी गोला भर दो, हाँ जी साइन कर दो, तो कुछ टाइम ऐसे भी चला जाएगा, 4-5 मिनट तो यूं ही निकल जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ टाइम आप ऐसा भी समझो कि पढ़ने में लगता है पेपर को, ठीक है, तो आप एटलीस्ट 5 मिनट ऐसे रख लो कि मैंने पेपर पहली बारी में पढ़ना है, ठीक है। कुछ टाइम ऐसे रख लो जो बाद में जिसे रिडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, या तो कई बार पेपर पढ़ने के लिए, तो अराउंड 10 मिनट्स तो आपके ऐसे ही निकल जाएंगे, तो 15 मिनट तो पेपर के साइड ही रख लो, ठीक है, या 10 मिनट एटलीस्ट, कुछ आपने पढ़ा कुछ आपका वेस्ट हो रहा है, ठीक है, बीच में अगर वॉशरूम जाना पड़ा तो, इसलिए भी इन चीजों है, ये छोटी छोटी चीजें हैं बट ध्यान रखना, पहले ही वॉशरूम चले जाओ, जैसे पेपर होने वाला है उससे पहले, ठीक है, उससे क्या होगा आराम से पेपर दे पाओगे,
बट इस चीज को भी समझना, अगर ऐसा ना कि प्रेशर बन रहा है तो भाई पेपर में उठ के चले जाओ, एक या दो मिनट खराब होंगे, बट ऐसा नहीं होना चाहिए, सिरदर्दी नहीं होनी चाहिए, अरे यार अब तो जाऊं नहीं जाऊं, कोई टेंशन नहीं है, आप बीच में एक दो मिनट के लिए उठ सकते हो, इतना भी कोई पहाड़ नहीं टूटेगा, ठीक है ना। क्योंकि लिखना जिस टाइम पे आप अटेम्प्ट कर रहे हो पेपर, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे जनरली देखो 3 घंटे का पता ही नहीं लगता है, बट स्टिल ठीक है, पहले से कुछ चीजें हैं जो आप सॉर्ट करके रख सकते हो। तो जब हमें पता है कि 10 मिनट या 15 मिनट तो हमारे गए, 4-5 मिनट वेस्ट हो रहे हैं 5 मिनट पढ़ने में, और 5 ऐसा मिनट रखते जो रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा आपका यहाँ। तो अगर मैं एक 4 मार्कर को अटेम्प्ट कर रहा हूं, ठीक है, तो कितना टाइम हम इसको दें, इस चीज को आप देख सकते हैं। देखो फिक्स्ड नहीं होता एक तो टाइम, है ना, अपने दिमाग में हम फिक्स रख के जा रहे हैं, हमने कितना लिखना है 60 वर्ड्स कह रहे हैं 4 मार्क्स के लिए। तो अगर स्टार्टिंग में देखो क्वेश्चन पढ़ने में समय लगता है, 4 मार्कर में इतना नहीं लगेगा, छोटा सा क्वेश्चन होगा, बहुत बड़ा कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होगा, बट फिर भी मैं एक चीज कहूंगा कि 15 सेकेंड आपको फिर भी स्टार्टिंग में ऐसे लेने चाहिए, है ना, 15 सेकेंड ऐसे लो जो आपने पढ़ना ही है ढंग से क्वेश्चन को, और ये होना चाहिए कि हाँ मेरे को वो समझ आ गया, और उसके बाद सोचो कि मैंने लिखना क्या है। तो 15 सेकेंड से लेकर आधा मिनट इनिशियली आप ये चीज सोचो कि मैंने क्या इसमें लिखना है। देखो अब यही क्वेश्चन रहता है बच्चों का कि क्या ये देखो क्या सोचना जरूरी है क्वेश्चन से पहले, या सीधा ही लिखना शुरू कर दो। कई बच्चे ऐसा करते हैं सीधा ही लिखना शुरू कर देते हैं। मैं एक चीज कहूंगा ट्राई करो, अभी क्या दिक्कत है। इस टाइम पर मान लो आपको एक क्वेश्चन मिलता है, जो भी आपके दिमाग में आ रहा है लिखना शुरू कर दो, ठीक है, और फिर क्या करो दूसरा आंसर लिखो, और फिर थोड़ा सा उसको सोच के ट्राई करके लिखो, ठीक है, दोनों में डिफरेंस देखना क्या डिफरेंस आता है। जिसमें आपने सोचा नहीं ना, तो पहली उसमें दिक्कत क्या होगी, पहले जो दिमाग में पॉइंट आया वो सबसे पहले लिखा, फिर दूसरा लिखा, फिर तीसरा लिखा, और कई बार ऐसा होता है जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है वो लास्ट में याद आती है, और फिर आप उसको लास्ट में लिख रहे होते हैं। तो कई बच्चों की ये कहना होता है जिसे दिमाग में क्या चल रहा होता है, अरे मैं भूल जाऊंगा, ठीक है, इसलिए वो लिखना चाहते हैं। मैं इस चीज के लिए कहूंगा देखो अगर 20 मार्कर लिख रहे हो और लग रहा है भूल जाऊंगा, तो क्वेश्चन पेपर में साइड में थोड़ा से वर्ड्स हो, देखो पूरा सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं, तो एक वर्ड से याद आ जाता है, तो मेन वर्ड्स जॉट डाउन कर सकते हो। बट इट इन जनरल अगर आप आंसर राइटिंग करने लगोगे, प्रैक्टिस करने लगोगे, 150-200 आंसर लिखने के बाद ना आपको ना खुद ही कॉन्फिडेंस आने लग जाता है कि नहीं मुझे याद आ जाता है, ठीक है ना। और शुरू में 5-10 जिसे मैं कह रहा हूँ 15 सेकेंड सोचो मैंने क्या क्या पॉइंट्स लिखने हैं, और मतलब अगर आप चाहो आधा मिनट भी ले सकते हो सोचने में। इससे क्या होता है ना एक फ्रेमिंग हो जाती है क्वेश्चन के दिमाग के अंदर कि इंपॉर्टेंट क्या क्या, मेरे पास देखो ना 4 मार्क्स हैं, कितने 6 कर बातें लिखनी होंगी, मैक्सिमम कितने 8 पॉइंट्स मेरे दिमाग में आएंगे, तो बस उनको जॉट डाउन करना, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वहां से मैं लिखना शुरू कर दूंगा। तो 15 से आधा मिनट आपने सोचा और लगातार उसके बाद अराउंड 3 मिनट्स लिखते रहो। अब सोचने वाला टाइम नहीं है, ठीक है, फिर 3 मिनट में फट, क्योंकि फैक्चुअल क्वेश्चन रहेंगे अगर आप 4 मार्कर देखो ना। हाँ कुछ क्वेश्चन सोचने वाले भी हो सकते हैं, वो हम बाद में, और जरूरी नहीं है अब लाइन में आप करें तो सारे 4 मार्कर एक ही बारी में करने। देखो जब हम जैसे भी हमने क्वेश्चन पेपर देखा था तो उसमें क्या है, जो क्वेश्चन आपने स्टार्टिंग मार्की ये बिल्कुल डायरेक्ट है वो फर्स्ट टाइम में लिखने हैं, ठीक है, 4 के भी 8 के भी 20 के भी, फिर दूसरी बारी वो लिखने हैं जिसमें थोड़ा सोचना पड़ेगा ज्यादा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, आपने क्वेश्चन पढ़ा 15 सेकंड में, आधे मिनट में उसको पूरा ड्राफ्ट कर दिया कि ऐसे ऐसे लिखना, और 3 मिनट में उसको लिख दो, तो अराउंड 3.5 मिनट से 4 मिनट में आपका आंसर पूरा हो जाना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम ऐसे भी सोचें तो देखो कितने क्वेश्चन है, 15 है ना, अगर मैं 4 मिनट भी बोल रहा हूं तो कितना टाइम चला गया, 60 है ना, 1 घंटा जा चुका है अगर आप मिनिमम 4 भी सोच रहे हो। और अगर ये चीज ध्यान में नहीं रखोगे ना, तो मैं बता रहा हूँ 1.5-1.5 घंटे भी लोगों ने लगाए हैं जिन्होंने लिखा है, खुद भी आपने लिखना तो समझ आएगा, बट अगर 4 मार्कर में 1.5 घंटा लगा दिया है तो ना गेम हाथ से बाहर चली जाती है, अगर फिर वो 20 मार्कर पूरे नहीं होंगे। अभी देखो ना अभी हम मिनिमम टाइम लेके चल रहे हैं, अब खुद सोचो 4 मिनट में आंसर लिखना, या अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ 3.5 मिनट में आंसर पूरा हो जाए, फिर भी अगर नहीं तो 4 मिनट, ठीक है, क्या बढ़ा सकते हो नहीं बढ़ा सकते यार आपकी डिस्क्रिप्शन है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा पॉइंट है जिसको लिख के नंबर आने आने अवश्यम भावी है, तो आधा मिनट और लगा दो,
बट हाँ इससे ज्यादा आप नहीं जा सकते, चाहे आपको सब कुछ भी आता है ना उस आंसर में, फिर भी अगर आप 4.5 मिनट से ऊपर जा रहे हो आपका पेपर पूरा नहीं होगा। अभी अगर 4 में भी दिक्कत आएगी, बट ठीक है कुछ एक क्वेश्चन में अगर करोगे तो वो ओवरऑल आ जाता है, कि कुछ क्वेश्चन जल्दी भी तो होंगे। और जो डायरेक्ट क्वेश्चन है ना वो ज्यादा जल्दी करने की कोशिश करना, है ना। जैसे अभी पेपर में हमने देखा था कुछ डायरेक्ट जूमिंग, डायरेक्ट था कि जूमिंग है उसका, चलो वो उसको फिर भी थोड़ा इनडायरेक्ट हम मान सकते हैं कि इवैल्यूएशन थोड़ा सा उसमें सोचना पड़ेगा। बट जैसे अभी देखो हमने कौन कौन से क्वेश्चन देखे थे, यहाँ किनारा ड्राइव, प्रैक्टिस इज बर्थ एंड डेथ, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो यहाँ पर तो सीधा रहेगा ना। हाँ, चेंजिंग पैटर्न ऑफ फैमिली अमंग ट्राइब्स इन हिमाचल प्रदेश, ये आपको सोचना पड़ेगा। तो प्रेफरेबली ऐसा क्वेश्चन आप दूसरी बारी में करना, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को हम सेकेंड टाइम में कर सकते हैं। तो जो क्वेश्चन डायरेक्ट है ना, स्ट्रक्चरल फंक्शनल व्यू ऑफ कास्ट सिस्टम इन हिमाचल प्रदेश, पढ़ के गए थे, डायरेक्ट हो जाएगा, अदरवाइज सोच के करना पड़ेगा। बट कुछ क्वेश्चन हमारे पास ऐसे रहेंगे जो बिल्कुल डायरेक्ट रहेंगे, ठीक है। फिलोसफिकल बेसिस ऑफ पब्लिक सर्विस, 3 मिनट में छाप दो, ज्यादा इसमें सोचना ही नहीं है, घर से पढ़ के गए हो। हाँ, अगर थोड़ा इस चीज पे फोकस नहीं किया तो हो सकता है मानतलाई लेके आता है, 3 मिनट में छाप दो, ठीक है ना, 3-3.5 मिनट। फिर हैजार्ड मैपिंग क्या है, असेंशियल क्यों है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना, आप पहले से इनको देख के जा चुके होंगे। फिर तो जब हम यहां बात कर रहे हैं, है ना, तो अपने दिमाग में एक ये बेसिस रख सकते हैं। उसी तरीके 8 मार्कर, ठीक है, 8 मार्कर में अगर हम टाइम के बारे में सोचें तो यहां पर भी अगर आप जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन को 7 मिनट देते हो, ठीक है, इसका अगर डिस्ट्रीब्यूशन देखने की कोशिश करो, स्टार्टिंग में वही चीज रहेगी, 15 सेकंड से आधा मिनट आप ये चीज सोचो कि लिखना क्या है, ठीक है, 15 सेकंड हो गया, 15 सेकंड से हम आधा मिनट भी ले सकते हैं, ठीक है। आधा मिनट करने के बाद, सोचने के बाद फिर लिखना शुरू कर दो, ठीक है। देखो कई बार इन क्वेश्चंस में थोड़ा ज्यादा टाइम भी लग सकता है सोचने में, 8 मार्क, क्योंकि इसमें एनालिसिस बेस्ड होंगे, कुछ तो डायरेक्ट होंगे, कुछ डायरेक्ट है यार वो तो देखो 15 सेकंड, क्योंकि ये ना स्टार्टिंग में सोचने का टाइम मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि आपको ना ये क्लियर होना चाहिए कि क्वेश्चन पूछा गया। जैसे एक बार क्वेश्चन पढ़ा ना, उसको दोबारा से भी पढ़ो और क्लियर करो, क्योंकि इसमें पहली बार आप पढ़ोगे आपको कुछ समझ आएगा, दूसरी बार आप उस क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आपको ये चीज ज्यादा क्लियर होगी, अच्छा यही पूछा था ना। क्योंकि कई बार क्या होता है, आपके दिमाग में ऑलरेडी एक परसेप्शन होती है, ठीक है। तो अगर मैं अपने घर से कुछ सोच के गया हूं, जैसे अभी हम देख रहे हैं, मान लो है ना, क्वेश्चन आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1813, ठीक है, मैं घर से पढ़ के गया था चार्टर एक्ट ऑफ 1813, मैं शुरू हो गया कि चार्टर एक्ट ऑफ एग्जैक्ट बिल्कुल क्या क्या था, उसके मेन पॉइंट्स क्या थे। बट देखो उन्होंने क्या कहा है, क्रिटिकल नोट, है ना, तो यहाँ पर वो क्रिटिकल नोट एक्सपेक्ट किया जा रहा है। अगर ये चीज मैंने नहीं आइडेंटिफाई करी तो दिक्कत हो सकती है, ठीक है ना। उस टाइम पर हो सकता है मैं थोड़ा सा बाहर चला जाऊं, ठीक है। अब यहाँ पर भी बहराम जी मालावारी है, उनके सोशल कॉन्ट्रीब्यूशन पे क्वेश्चन है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर लिखूंगी बहराम जी मालावारी का जन्म कब हुआ था, और देखो ऑब्वियसली अगर मेरे को सोशल कॉन्ट्रीब्यूशन कम पता है तो मैं वो बातें भी लिखूंगा फिर एग्जामिनर, बट उसमें क्या हो रहा है, एग्जामिनर के हाथ में डिस्क्रिशन जा रही है, अब समझ रहे हो। एक इंसान जिसने सोशल कॉन्ट्रीब्यूशन पे ज्यादा फोकस किया है 4 मार्क्स के लिए, और एक इंसान है जन्म भी बता दिया, ठीक है, और भी क्या क्या चीजें कर रहे थे उनके टाइम पे, कौन से इवेंट्स जो सोशल से नहीं फोकस कर रहे हैं, तो एग्जामिनर के हाथ में डिस्क्रिशन है, ठीक है। हम क्या कोशिश करेंगे, जितना कम डिस्क्रिशन हो सके एग्जामिनर के हाथ में उतनी कम देनी है, मतलब उसको मार्क्स देने ही पड़े, हमने ये कोशिश करनी है। तो यहाँ पर भी जैसे सिपाही म्यूटिनी बिफोर 1857, तो मेजर सिपाही म्यूटिनी 1857 से पहले कौन सी, अब देखो अगर मैं जल्दी पढ़ा तो क्या है, राइट ए क्रिटिकल नोट ऑन मेजर सिपाही म्यूटिनी बिफोर 1857 रिवोल्ट, और मैंने क्या शुरू कर दिया 1857 रिवोल्ट, लिख दिया 1857 रिवोल्ट, क्या मेरे को मार्क्स मिलेंगे? ऐसा होता है कई बार, आप समझ रहे हो। एग्जामिनेशन में आपने क्वेश्चन पढ़ा और उस टाइम पर इमीडिएटली आपके दिमाग में आया 1857 रिवोल्ट, सिपाही म्यूटिनी, ठीक है, क्रिटिकल नोट। अगर मैं ये भी नहीं ध्यान दिया ना, मेजर सिपाही म्यूटिनी बिफोर, क्योंकि कई बार ये रजिस्टर नहीं होता पहली बारी में, और पहले क्या रजिस्टर होता है, जो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो ऐसा हो सकता है मैं अपने आंसर में लिख दूं 1857 कहाँ हुआ, है ना, झांसी की रानी है ना, ह्यूग रोज जी, तो एकदम सारी बातें मैं अपने हिसाब से लिख दी, मार्क्स नहीं मिलेंगे,
ठीक है, तो ये चीज मैं कह रहा हूं, इसलिए आपको थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए। जो हम बात करें ना कि इनिशियली जब हम क्वेश्चन को देख रहे हैं, आधा मिनट दो सोचने में कि मैं क्या लिखना चाह रहा हूँ, आधे से, अब यहाँ पर भी आधे से एक मिनट रहेगा। कई लोग ये पूछते हैं 8 मार्कर में मेरे को इंट्रोडक्शन देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए। अब इस चीज को समझो, इंट्रोडक्शन किस चीज के लिए लिखी जाती है कि क्वेश्चन में है ना कि आपको क्वेश्चन समझ आ गया, एग्जामिनर को ये समझाना है, यही है बात, जो आप पूछ रहे हो मैं वही आंसर लिख रहा हूं, और एक आंसर को क्वेश्चन को कनेक्ट करना है बॉडी से। 8 मार्कर में प्रेफरेबल ये है कि कोई फैक्ट डाल दो, क्योंकि क्या होता है ना 8 मार्कर में वो फैक्ट इंट्रोडक्शन की तरह काम भी करेगा और वो आपका मार्क्स भी फेच करेगा। क्योंकि देखो अगर फैक्ट नहीं है तो मार्क्स नहीं मिलते हैं। जैसे ना हम दो वर्ड यूज करते हैं, आर्ग्यूमेंट और फैक्ट, है ना। आर्ग्यूमेंट में अगर मान लो मैं कह रहा हूँ कि हमारे देश में जो गरीबी बढ़ रही है ना, ये मैंने इंट्रोडक्शन बना दी कि द पॉवर्टी इज इंक्रीजिंग इन इंडिया, पॉवर्टी का क्वेश्चन था, तो इस लाइन पे तुम मेरे को क्या नंबर दोगे, ठीक है ना। और यहीं पर आप इसी को चेंज कर दो, एज पर द रिपोर्ट ऑफ IMF, एज पर द रिपोर्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक, द पॉवर्टी इन इंडिया इज इंक्रीजिंग, गरीबी कितनी बढ़ रही है, कितने परसेंट बढ़ रही है, घट रही है, नंबर मिलेगा ना उसका, तो उसमें ये डिफरेंस कहने की कोशिश करो। अगर आप आर्ग्यूमेंट दे रहे हो यहाँ पॉवर्टी बढ़ रही है या कम हो रही है, साथ में आपको फैक्ट भी देना पड़ेगा। और 8 मार्कर में सजेस्टेड है, प्रेफरेबल है कि एक फैक्ट को ही इंट्रोडक्शन की तरह दे दो, ठीक है, मार्क्स भी मिल जाएगा, कनेक्ट भी हो जाएगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग में जब आप लिख रहे हो आंसर, ठीक है, तो आप आधे से ये एक मिनट तक भी सोच सकते हो, 15 सेकंड से आधा मिनट से एक मिनट पहले आपने ये चीजें सोची। इसको सोचने के बाद फिर है, और आपने दिमाग में प्लान भी कर दिया कि मैंने क्या लिखना, फिर फटोफट भागते हुए आप 5 मिनट तक लगातार लिखो, ठीक है। अब ये इतना होना चाहिए, आप इस एकदम स्पीड में आंसर को पूरा करने की कोशिश करो, तो आपका कोशिश करो 6 या 7 मिनट में आंसर पूरा हो जाए, है ना। तो 6 मिनट हो जाएंगे ना, 5.5 to 6, जो आपको आता है ना एग्जैक्ट, आपको पता है 8 मार्कर, आप 5.5 मिनट्स में निकल सकते हो उससे, 6 मिनट में तो कोशिश करो। दरवाजा बंद कर, अगर आपको और लग रहा है तो दरवाजा बंद कर, दरवाजा आधा मिनट और, मान लो कि आपको लास्ट में आपको लग रहा है कोई ऐसा पॉइंट डाल देता हूँ जो ज्यादा अच्छा लगेगा, या कंक्लूजन टाइप देना चाह रहे हो इसमें, तो यहाँ पर भी देखो बहुत ज्यादा इंट्रोडक्शन कंक्लूजन एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा है, फैक्ट्स डालो। हाँ 20 मार्कर में चाहिए और 4 मार्कर में नहीं चाहिए, ठीक है। 4 मार्कर में सीधा हिट करो क्वेश्चन को, वहां डायरेक्टली फैक्ट्स डालो, तुम्हें लग भी रहा है अगर कि नहीं नहीं ये पॉइंट इंट्रोडक्शन की तरह हो सकता है, अगर वो फैक्ट है तो इंट्रोड्यूस करो, वरना नहीं जरूरत, ठीक है ना। 4 मार्कर में एक्सपेक्टेड नहीं है, वहां डायरेक्ट आंसर हिट करो। यहां पर आप स्टार्टिंग में लास्ट में डालना है फैक्ट्स, ऑब्वियसली बीच में भी डालना है आर्ग्यूमेंट और फैक्ट साथ में, है ना, जोड़ के आंसर करना है इसको। और अगर लग रहा है कि हाँ बहुत ही ज्यादा कोई चीज ऐसी है जिसकी वजह से मैं मतलब मार्क्स मिलना ही मिलना है, ऐसे तो अचानक से दिमाग में बात आती है अरे यार ये है, इस पे तो नंबर मिलना ही है, तो फिर ये नहीं होना चाहिए अरे नहीं नहीं 7 मिनट हो गया हमने लिखता, बोलो आधे कर मिनट का बफर। बट वही जैसे ही 7 मिनट पूरे हो रहे हैं, जैसे 6.5, हम इसमें भी देख रहे हैं कितना, मैक्सिमम 7 मिनट, 7 मिनट से ऊपर मत जाओ, रेयर होता है कहीं कहीं जाओगे, बट कोशिश हमने स्टार्टिंग में ये करनी है कि 5.5 6 मिनट में डायरेक्ट क्वेश्चन, जो थोड़ा सोच के करना था वो 7 मिनट, क्योंकि देखो ना अगर आप 7 मिनट में भी करते हो तो कितना चला गया, 70 मिनट, ठीक है ना, 70 मिनट्स डायरेक्टली यहाँ पर आपके चले गए। फिर 20 मार्कर की बात करते हैं, 3 क्वेश्चन आएंगे, है ना, 400 वर्ड्स लिखने हैं, 20 मार्क्स आपको मिलेंगे इसके। अब यहाँ पर भी वही पैटर्न रहेगा, स्टार्टिंग में क्वेश्चन के बारे में सोचो, ठीक है, तो आपका एटलीस्ट यहाँ यार मिनिमम ये आधा मिनट तो क्वेश्चन को समझने में देना ही है। ये चीज समझने की कोशिश करो उस क्वेश्चन के कितने पार्ट्स हैं, क्योंकि 20 मार्कर है तो 20 मार्कर में पार्ट्स होंगे, और अगर 20 मार्कर में पार्ट्स क्वेश्चन में नहीं भी दिए हैं, तुम्हें अपने दिमाग में बनाने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है जैसे आप आंसर कर रहे हो उस टाइम ऐसा होना चाहिए कि ये 5 मार्क्स के लिए इसमें लिखूंगा, 5 के लिए लिया, 10 10, एटलीस्ट 2 टुकड़े तो करो, या कोशिश 4 टुकड़ों की तो करो, तो मैं 4 चीजों को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, तब आपके मार्क्स बढ़ते हैं। उस क्वेश्चन को समझो और उसको उसमें कितने एस्पेक्ट्स हैं, क्योंकि ये चीज भी बहुत बार देखी गई है, बच्चे ना सारे एस्पेक्ट्स एड्रेस ही नहीं करते। कॉलेज में बहुत किया होगा,
क्वेश्चन में दो चीजें पूछी थी, वो पहले वाली चीज लिखते लिखते सारा वो आंसर उसी में कर दिया, फिर लास्ट में याद आता, तब तक टाइम भी हो गया होता है। चलो वहां फिर भी अगर खींच दोगे हो सकता है, यहाँ जगह ही नहीं, यहाँ आपकी जगह पूरी हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस चीज का ध्यान रखना, तो आराम से पहले सोचो, आधा मिनट सोचो, ठीक है, फिर उसके बाद एक मिनट तक ना रिऑर्गेनाइज करो, जैसे आधा मिनट समझो क्वेश्चन को, प्लस उसके बाद फिर रिऑर्गेनाइज करो कि मैंने क्या क्या चीजें लिखनी है, अपने दिमाग में क्लियर रखो कि मैंने क्या क्या लिखना है, स्टार्टिंग में ही बना लो, क्योंकि यहां पर आपके पास स्कोप नहीं है बहुत ज्यादा इधर उधर जाने, ठीक है। एक बार आपने सोचा उसके बाद इंट्रोडक्शन लिखो, तो आप मतलब डेढ़ मिनट भी ले सकते हो क्वेश्चन शुरू करने से पहले। जनरली हमको लगता है अरे नहीं ये तो बहुत ज्यादा टाइम हो गया, वेस्ट हो रहा है, कैलकुलेटेड रखो ना, तब दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो मान लीजिए क्यों 20 मार्कर की इंट्रोडक्शन बहुत जरूरी है, अगर वो अच्छी नहीं होगी एग्जामिनर आंसर पूरा ढंग से नहीं पढ़ेगा। तो जो आप इंट्रोडक्शन लिख रहे हो एक मिनट तो उस इंट्रोडक्शन के लिए ही दो, ठीक है, कि मैंने ढंग से पढ़ना है कि एग्जामिनर क्या क्या चीजें पूछ रहा है, या मतलब एक अच्छी इंट्रोडक्शन देनी है बेसिकली कि एग्जामिनर उसको पढ़े, तो आप सोच के उसको अच्छे से लिखो, तो जो शुरू की 3 या 4-5 लाइन जो लिखनी है आप उसमें भी एक मिनट लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, स्टार्टिंग 2-3 लाइन्स में भी, ठीक है। तो हमारा 2.5 मिनट हो गया है, फिर उसके बाद शुरू करो, अब स्पीड में जाना है। अब जैसे हम बात कर रहे थे जैसे यहाँ 5 मिनट लगातार लिखा, उसी तरीके से अब जैसे मान लीजिए आप कहो कि 2 एस्पेक्ट्स हैं मेरे, तो क्या करना है कि जनरली 2 ही होते हैं, तो यहाँ पर 4 मिनट लगातार उस चीज को एड्रेस करो मिनिमम, क्योंकि जैसे मान लो 2 चीजें हैं, एक बार एड्रेस किया फिर रुको, है ना, आधा मिनट थोड़ा सा और सोचो, ठीक है। इसमें क्या सोचना है कि आप सही लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो, एक्चुअली मैं वही बात कर रहा हूँ, कई बार क्या होता है 2 चीजें पूछी होती है, जब आप इमोशन में आ जाते हो और लिखने लग जाते हो तो बंदा एक ही चीज एड्रेस करता रह जाता है, ठीक है। मान लीजिए 20 मार्कर देखते हैं, ठीक है, अरे भाव में बहने वाले बहुत होते हैं, देखो Examine critically the major famines falling in India during the period of 1858 to 1947. ठीक है, तो क्या पहली बात क्या पूछ रहे हैं कि famines इस पीरियड में कौन कौन सी हुई उनके बारे में बताओ। फिर दूसरा पार्ट क्या है, हाईलाइट द रिकमेंडेशन, 2 चीजें पूछी थी ना, तो वही हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि इनिशियली अगर आप आंसर कर रहे हो तो एक पार्ट आपने आंसर किया। अब यहाँ पे ऐसा ना, अगर आपने सिर्फ ये रिकमेंडेशंस ही लिखी, स्टार्टिंग का पार्ट नहीं लिखला, तो कितने नंबर देगा, बस फिर कितनी डिस्क्रिप्शन है ना। अगर मान लिख ली इंसान ने, बहुत बढ़िया है ना, सारा उसने फेमाइन के बारे में लिख दिया हुआ है, कितने मार्क्स मिलेंगे, मैक्सिमम 10 में से मिलेंगे, अब बताओ कितने देने हैं, आप जो मर्जी लिख दो, ठीक है ना। अगर आप सिर्फ फेमाइन कमीशन के बारे में ही बता रहे हो, आपने चाहे 20 सारा भर दिया, पूरी जगह भर दी है, से मिलने 10 में से, इस चीज का ध्यान रखना। कई बार बच्चे एड्रेस ही नहीं करते, तो यहां 2 चीजें पूछी हैं कि फेमाइन कौन सी हुई, और दूसरी बात क्या है, रिकमेंडेशन बताओ। हाँ, तुम थोड़ा ये कर सकते हो कि जिस हिसाब से आता है उस हिसाब से एक अगर दिया, दूसरे को थोड़ा छोटा कर दिया, इतना तुम्हारे हाथ में डिस्क्रिप्शन है, इंट्रोडक्शन में एक चीज के बारे में ज्यादा बताया या ज्यादा पार्ट, बट वो तुम्हारे दिमाग में, फिर बट एग्जामिनर को ऐसे दिखाना है कि मैंने दोनों एड्रेस किए हैं और मेरे को आता था, ठीक है। अब जैसे देखो, व्हाई इज जेंडर डायमेंशन ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, ठीक है, वैसे वट होना चाहिए था, चलो बट स्टिल, तो इसमें 2 एस्पेक्ट्स है, जेंडर डायमेंशन, तो इसमें 2 शब्द है, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की सोसाइटी हमारी डिवाइडेड है जेंडर के बेसिस पर कैसे, ठीक है, वही प्रश्न रहेगा ना, व्हाई इज जेंडर डायमेंशन ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, किस प्रकार जेंडर सामाजिक स्तरीकरण का एक आयाम है, तो कैसे ये इसकी एक डायमेंशन है, पहले ये चीज समझानी है। फिर देखो दूसरी बात क्या है, हाउ डज जेंडर इंटरसेक्ट अदर डायमेंशंस ऑफ इनइक्वालिटी बेस्ड ऑन क्लास रेस एंड एथनिसिटी, तो 2 एस्पेक्ट्स पूछे हैं यहां पर भी, ठीक है। तो दूसरा एस्पेक्ट क्या कह रहा है कि कैसे ये जेंडर इंटरसेक्ट करता है दूसरी डायमेंशन इनइक्वालिटी के साथ, क्लास रेस और एथनिसिटी, तो यहाँ पे क्लास रेथ और एथनिसिटी इसकी वजह से भी इनइक्वालिटी आ रही है और इसमें जेंडर कैसे कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन समझना है
और पूरा सोचना, तो वही ना आधे मिनट में समझने की कोशिश करो एग्जैक्टली पूछा क्या गया था, फिर मैंने क्या क्या लिखना है, फिर इंट्रोडक्शन बनाओ, क्योंकि जब आपके दिमाग में पूरा है ना कि मैंने इंट्रोडक्शन कैसे देनी है, तब आप एस्पेक्ट्स लिखोगे। तो देखो दो दो एस्पेक्ट्स हैं, द डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म इंडस्ट्री इन हिमाचल प्रदेश हैज जनरेटेड मल्टीफोल्ड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश में टूरिज्म इंडस्ट्री की वजह से बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ी है। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विद एग्जाम्पल्स फ्रॉम वेरियस ज्योग्राफिकल रीजंस ऑफ द स्टेट, ठीक है। तो यहां पर देखो पहली बात, दो आर्ग्यूमेंट्स, पहला आर्ग्यूमेंट क्या है कि टूरिज्म इंडस्ट्री के डेवलप होने की वजह से बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बनी है, अचानक से अभी स्टेटमेंट को बढ़ा कर, क्योंकि देखो ना एक ही आर्ग्यूमेंट है पूरा, अगर ऐसे देखा जाए कि ये जो स्टेटमेंट है इसको एग्जाम्पल के साथ बताओ, और इसमें एग्जाम्पल के साथ बताने में एक और चीज है ज्योग्राफिकल रीजन को ध्यान में रखते हुए। देखो ऐसा भी हो सकता है, अगर मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ ना कि बस ये स्टेटमेंट ही तो एक्सप्लेन करनी, बट साथ में उन्होंने ज्योग्राफिकल रीजन की भी बात करी है, ठीक है। तो यहाँ दूसरी टूरिज्म इंडस्ट्री, अब इसको खोल दो, जो टूरिज्म इंडस्ट्री इसकी किस किस तरीके, टूरिज्म भी हिमाचल में किस किस तरीके का होता है ना, आपका टेम्पल की वजह से टूरिज्म होता है, ठीक है, आपका वाइट वाटर एडवेंचर टूरिज्म जिसे हम कहेंगे, इको टूरिज्म है, तो अलग अलग तरह के टूरिज्म, ठीक है। और उसमें जैसे होते हैं कई लोग तो सिर्फ फेयर फेस्टिवल देखने के लिए आते हैं, कई लोग जगह देखने के लिए आते हैं, तो अलग अलग, और उसमें कैसे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं, और फिर इसको एक्सप्लेन करना है अलग अलग रीजन्स के साथ। तो अगर मेरे को ऐसे भी समझ, तो एटलीस्ट चार टुकड़े तो बना दूं मैं, है ना, कि जैसे मान लो एक टेम्पल वाला बना दिया, एक आपने ये है ना एडवेंचर टूरिज्म का बना दिया, है ना, एक आपने सिंपली जैसे यहाँ पर गवर्नमेंट लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ कर रही होती है इवेंट्स, फेयर्स फेस्टिवल्स है ना हो रहे हैं, उसके कई लोग शिमला में आते हैं ना, समर फेस्टिवल हो रहा है, एप्पल फेस्टिवल हो रहा है, लोगों को वेलकम किया जा रहा है, तो एटलीस्ट तीन चार पांच टुकड़े आपने बनाए और फिर उसको एड्रेस करना है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप स्ट्रेटेजी अलग अलग बना सकते हैं। तो हम क्या कह रहे हैं कि इनिशियली आप से चार मार्क्स लिखा, अब से मान लो मैंने यहां पर लिखना था लास्ट वाला आंसर, तो मैं क्या दो टुकड़े एक साथ लिख दूंगा, फिर मैं देखूंगा अरे लाइन पे हूं कि नहीं, मतलब मैं ये चीज कह रहा हूं कि कुछ टाइम बाद लिखते लिखते दोबारा से क्वेश्चन पढ़ो, क्योंकि पता क्या होता है तीन चार मिनट लिखते लिखते तो आप फ्लो में आ जाते हो, दूसरा क्या होता है कई बार वो जो क्वेश्चन होता है ना उसके सारी डायमेंशन याद नहीं रहती है ना, फिर एटलीस्ट कर सकते हैं, और कई बार ये भी होता है आप ना कोर्स से थोड़ा भटक जाते हो, तो अगर भटक भी गए तो आधे मिनट में दोबारा से सोचो, और फिर तीन मिनट में जो बाकी के बचे एस्पेक्ट है उसको, जो सेकेंड एस्पेक्ट है उसको रिड्रेस करो, और फिर आप प्रॉपर कंक्लूजन के लिए भी यहाँ पर टाइम दो। आप ऐसा कर सकते हो, आधा मिनट सोचा और फिर आधे मिनट में उसको लिख दिया, ठीक है, क्योंकि प्रॉपर कंक्लूजन भी जरूरी है, या फिर आप आधा मिनट सोचो और फिर उसके बाद आप एक मिनट लिख सकते हो, ठीक है ना। तो यहां पर वही अराउंड अगर आप देखोगे कितना बना है, चार तीन सात आठ ना नौ दस, अराउंड इलेवन मिनट्स, और लॉन्ग रखो बारह मिनट्स, तो अराउंड 12 मिनट्स में आपने आंसर को कंक्लूड करना है। तो इस चीज को ध्यान में रखोगे, आप थोड़ा थोड़ा छोटा करके सोच सकते हो, जरूरी नहीं है एक ही बार सोचने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगा देना है, आधा मिनट सोचा समझ आ गया एक एस्पेक्ट मैंने ऐसे आइडेंटिफाई करके लिखना, दूसरा भी इसमें लिखना है और उसमें कुछ पॉइंट्स है, शुरू कर दो, ठीक है, इंट्रोडक्शन डाली, आंसर लिखना शुरू किया, कुछ चीजें बीच बीच में भी ध्यान आती रहती है, आधा मिनट सोचा फिर से लिखा, और फिर आराम से रुको कि मैंने क्या क्या लिखा ध्यान में रखते हुए कंक्लूजन, क्योंकि कंक्लूजन में एक नया आर्ग्यूमेंट शुरू नहीं करते, ठीक है ना, जो ऑलरेडी चीजें लिखी है उसी को जोड़ के ये बताना कि सर जो आपने क्वेश्चन में पूछा था मैंने उसको प्रॉपरली एड्रेस कर दिया है, ठीक है, और हाँ उसमें कोई बहुत अच्छा कोई फैक्ट हो जो एग्जामिनर को अच्छा लगे जिसके बेसिस पर वो मार्क्स दे, हम उसको लिख सकते हैं। तो एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए टाइम की, ठीक है, तो बड़ा क्लियर अपने दिमाग में रखो कि किस तरीके से आपने टाइम को डिवाइड करना है और यूटिलाइज करना है पेपर में, अगर इस तरीके से हम चलेंगे तो काफी हेल्पफुल रहता है, अदरवाइज ऐसा हो जाता है कि एग्जाम में ना जल्दी जल्दी मतलब भागने लगे कि आया लिखने लगे, फिर वही जैसे 20 मार्कर में कह रहा हूँ कई बार ऐसा देखा गया है कि आप एक ही चीज लिखते रह जाते हो दूसरा एस्पेक्ट नहीं लिखते हो, तभी बीच में क्रॉस चेक करो, जब भी आंसर पढ़ो अगर बीच में कभी भी ऐसा कंफ्यूजन हो रहा है ना रुको दोबारा से क्वेश्चन पढ़ो फिर से आंसर लिखो, क्वेश्चन पढ़ते रहना, क्वेश्चन को दिमाग में रखना तब, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी है कि पूछा क्या था। और मैं आपको बता रहा हूँ एक बहुत सिंपल बात लग रही है, बहुत मेजर मिस्टेक है ये, लोग वो लिख के आते जो उनके दिमाग में चल रहा होता है, वो नहीं लिख के आते जो पूछा होता है,
क्योंकि उन्होंने घर से एक्सपेक्ट किया होता है, क्योंकि आप इतने आंसर लिख लोगे ना आपको चांस लगेगा अरे ये पूछा होगा। कईयों ने प्रीलिम्स में भी ये गलती करी होगी, पूछा कुछ होगा बट आपने घर में पढ़ा हुआ था, अरे यही पूछा इसका आंसर तो यही है, नॉट भी नहीं देखा है ना, नॉट वो कई बार हिट नहीं होता, कई क्वेश्चन गलत होता है नॉट की वजह से। क्यों? क्योंकि देखो जब आप क्वेश्चन पढ़ते हो, क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप सोचने लगते हो, और सोचने के बाद आप चार ऑप्शन के बारे में सोचते हो, जो चार ऑप्शन आप सोच रहे हो तो कई बार वो नॉट भूल जाता है, इजीली हम कहते हैं नॉट को मार्क करके रखो। वैसे यहां पर भी है, अगर आप कॉन्टेक्स्ट में नहीं लिखोगे जो पूछा है नहीं लिखोगे, मत एक्सपेक्ट करो मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। वो भी पढ़े लिखे लोग हैं और उनको आंसर पता है, और एलिमिनेट करना है ना यार, और अच्छे पैसे मिलते हैं उनको पेपर चेक करने के लिए, है ना। तो अगर आपने कुछ लिखा है वो ऐसे ही नहीं देते नंबर, तो उसके लिए आपको प्रेजेंटेशन अच्छे से, तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि इसको भी समझो ना टोटल कितना टाइम हो गया, अब आप 12 भी करो तो कितना 36 मिनट, ठीक है, प्लस कर लो है ना 7 6 13 13 और ये 166 है ना, और कितना है हमारे पास 180 है ना, 166 है प्लस हम ये कह रहे हैं 4-5 मिनट पढ़ने के, 4-5 मिनट ऐसे 15 मिनट तो वैसे ही वेस्ट हो जाते हैं, तो ये आपका 3 आवर्स हो गया। देख रहे हो हम इतना कम टाइम, ऐसा नहीं हो रहा अरे तो हम कम टाइम दे रहे हैं, बट एक चीज समझो इतना देने के बाद भी टाइम आपका टाइम खत्म हो चुका है, तो इतने में आपको आना पड़ेगा, आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आप बोलो नहीं नहीं जल्दी करना है, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात टाइम, ठीक है, इसका ध्यान रखना। यहां तक किसी के दिमाग में कोई प्रश्न? फिर समझते हैं, जब हमने टाइम की बात कर ली, कीवर्ड्स क्या है, जो भी क्वेश्चन की हम बात करें उसमें कुछ छोटे छोटे शब्द यूज किए होते हैं जिसके बेसिस पर वो आपसे क्वेश्चन पूछने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो अलग अलग कीवर्ड्स है जो क्वेश्चन पेपर के अंदर पूछे जाते हैं, एग्जामिनर डालते हैं, क्योंकि क्या एक तो देखो ऐसा शब्द होगा ना जो आपका रिलेटेड है सब्जेक्ट से, और दूसरा शब्द क्या होगा जिसके ऊपर वो प्रश्न पूछना चाहते हैं, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन वाई बहुत जगह लिखा होता है, तो वाई शब्द अगर कोई प्रयोग कर रहा है तो इसमें वो क्या पूछ रहे हैं, लॉजिक, ठीक है ना, उस चीज के पीछे लॉजिक क्या है, ठीक है, क्या है वो चीज। और इसमें एक और वर्ड यूज कर लेते हैं, अगर यू के साथ बोलो ना व्हाई डू यू थिंक, अगर यू के साथ यूज हो रहा है व्हाई, तो उस टाइम पर हम क्या बात कर रहे हैं, यहां पर वो आपका ओपिनियन पूछ रहे हैं, ठीक है ना, व्हाई डू यू थिंक दिस हैपेंस, अदरवाइज व्हाई अगर हम सिंपली कहें वो किसी चीज के बारे में यानी एक्सप्लेनेशन चाह रहे हैं, लॉजिक पूछ रहे हैं ऐसा होता क्यों है, ठीक है ना, व्हाई ये ना व्हाई दिस हैपेंस, तो वहां लॉजिक का कॉन्सेप्ट आएगा। नेक्स्ट इसमें है डिफाइन, ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में आ जाएगा कि डिफाइन, और इसमें क्या होगा, अगर एक देखो प्रिसाइज जो टर्मिनोलॉजी की हम बात कर रहे हैं अपना, वो आपको यूज करनी पड़ेगी, स्पेसिफिकली जब हम साइंस की बात करते हैं, साइंस किस तरीके से बनी है, साइंस को हम डेफिनेशन बेस्ड कहते हैं, ठीक है, तो आपको वहां पर डेफिनेशन देनी है किसी भी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए। हाँ, आप ये भी हाईलाइट कर सकते हो कि उसके अंदर प्रॉब्लम्स क्या है, जैसे मान लो एक डेफिनेशन है अगर उसको कोई बना रहा है, तो यहां पहली बात हमने क्या करी कि आपको टर्मिनोलॉजी, ठीक है, टर्मिनोलॉजी क्या है जो एग्जैक्ट उसके लिए यूज की जाती है, सबसे पहले इसको देखना है, और उसके बाद हाँ इस डेफिनेशन में अगर आपको कोई खामी लगती है, ठीक है, आप उसको हाईलाइट कर सकते हो, कोई भी इश्यूज है। हाँ, कई बार मल्टीपल डेफिनेशंस भी होती है, एक ही चीज को अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता है, उस टाइम पर आप उसको भी यूज कर सकते हो, क्योंकि ऐसा होता है कोई भी चीज है इंटरप्रिटेशन तो हमारी है ना, इंटरप्रिटेशन,
तो आप उसको कैसे इंटरप्रेट करते हो, या मल्टीपल उसकी इंटरप्रिटेशन अगर एग्जिस्ट करती है तो उस टाइम पर इसको यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो एक ये हमारा शब्द रहेगा। नेक्स्ट, अगर हम बात करें शब्दों में, डिफाइन हो गया, फिर डिस्कस। डिस्कस शब्द क्वेश्चन में आता है, तो डिस्कस में क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि उस जो टॉपिक है उसके आसपास की चीजें, जिसमें कि सराउंडिंग द टॉपिक जो चीजें होंगी उनको भी लेके आना है। तो जो सिचुएशन है ना, तो ऐसा कहा जाता है कि ब्रिंग द सिचुएशन अराउंड द टॉपिक, तो उसके बारे में आप बताओ ना। डिस्कस द मेजर इवेंट्स दैट हैपेंड, तो उस टाइम पर जो सिचुएशन थी और क्या क्या इंपैक्ट रहा उसका और क्या क्या चीजें थी, आपसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा होता है जिसे हम ना डिस्कस के टाइम पर, अगर डिस्कस वर्ड यूज कर रहे हो, एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आप एक रिटर्न डिबेट लेके आओ। जब डिबेट कहते हैं ना, डिबेट में क्या होता है, दो टीमें होती है, ठीक है, एक साइड है वो फॉर के लिए जा रही होती है, एक साइड होती है जो अगेंस्ट के लिए जा रही होती है। जब डिस्कस है, डिस्कस में एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप दोनों साइड ऑफ द स्टोरी बताएं, ये चीज नहीं कि आपको एक ही चीज बतानी है। और हाँ, फिर आप कंक्लूड कर रहे हो, कंक्लूड में आपके हाथ में है, आप पॉजिटिव भी जा सकते हो, नेगेटिव भी जा सकते हो, ठीक है ना। अब ये भी होता ना कि हाँ जी कौन सी साइड लेनी है, नहीं नहीं जी हमको तो पॉजिटिव ही लिखना चाहिए, ऐसा किसी किताब में नहीं लिखा है। बस बात पता क्या होती है, आप बायस्ड नहीं दिखने चाहिए, समझ रहे हो इस चीज को। नॉर्मली क्या देखो, हम कह रहे हैं कि इंडिया में गरीबी है, भुखमरी है, अगर हम ये बात कह रहे हैं ना, ऐसा नहीं है कि हमको इंडिया से दिक्कत है, बस ये बात है कि ऐसा है, एक फैक्ट है। अगर आप इसको प्रूव कर देते हो विद फैक्ट्स, आप क्या बोल रहे, IMF की रिपोर्ट है, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, देखो, तो इसमें ये चीज नहीं कि हम बायस्ड है। मान लीजिए गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी आई, अब जैसे मनरेगा है, मनरेगा एक बहुत अच्छी पॉलिसी है, इतने लोगों को उसने एम्प्लॉयमेंट दी है, लेकिन हाँ मनरेगा में दिखते भी है। आप बोलो कि हम हैं लोगों के अंगूठे लगवाते हैं, मनरेगा में काम करने वाले लोग हैं, है ना, अंगूठे का वो प्रिंट ही चेंज हो जाता है, उनको बोलते बोरोलिन लगा के आना, अगले दिन रात भर रख के तब लगाना है यहाँ पे अंगूठा, है ना। हम वैसे बोलते कि नहीं चेंज होता है ना आपका फिंगरप्रिंट, अरे घिस जाता है काम करने वालों का, आपका चेंज नहीं होता होगा, उनका हो सकता है, ठीक है। फर्दर अगर आप देखोगे, लाइट नहीं होती है ना गाँव में, बैंक नहीं है, DBT कर रहे हो, बंदा अपने एक दिन की सैलरी छोड़ के जाएगा और वो वहां से पूरा दिन अपना काम छोड़ के वो बैंक जाए, लाइन में लगे, फिर उसका पैसा निकलेगा, इश्यूज है। तो अगर देखो ना, अब आप आर्ग्यूमेंट दे रहे हो, तो आप ये नहीं कह रहे हो सरकार आपकी पॉलिसी ही गलत है, हम बस ये कह रहे हैं कि सरकार इस पॉलिसी में ये इश्यूज हैं, तो आप तो नहीं हुए ना गलत, आपने बस आर्ग्यूमेंट दिया है, तो इस चीज को समझना। तो डिस्कस में आपसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि टॉपिक जो है उसके आसपास की सारी सिचुएशन है उसको एक्सप्रेस करो, और हाँ एक रिटर्न डिबेट करो जिसमें आप उसके पॉजिटिव और नेगेटिव जो दोनों एस्पेक्ट्स हैं उसको बताओ, ठीक है। फिर डिस्कस के बाद डिस्क्राइब होता है, कोई चीज कैसे हुई इसको डिटेल में बताओ, वो डिस्क्राइब है, ठीक है। डिस्क्राइब, आपको कोई भी फिनोमिना हो रहा है, कोई भी चीज है उसको इन डिटेल एक्सप्लेन करो, ये डिस्क्राइब में होता है, कैसे हुआ, ठीक है, पूरा स्टार्टिंग से लेकर अंत तक उस कहानी को समझाने की कोशिश करो, तब होता है डिस्क्राइब शब्द यूज, ठीक है। इसमें जनरली जैसे ना कि एक क्रोनोलॉजी वाली चीजें होती है, कोई ओवर द पीरियड कुछ इवेंट हो रहा है, वहां पर डिस्क्राइब टर्म यूज किया जाता है, ठीक है। फिर एक्सप्लेन, एक्सप्लेन शब्द है जो भी कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में डिस्कशन हो रहा है, तो इसमें ऐसा कहा जाता है ब्रिंग द कॉन्सेप्ट इन डिटेल, ठीक है ना। एक्सप्लेन शब्द हम यूज कर रहे हैं तो जो भी कॉन्सेप्ट होगा इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से अपने शब्दों में समझाओ। यहां पर क्या होता है कि जो टॉपिक है आपने उसको क्लासिफाई करना है, उसको क्लैरिफाई करना है, ठीक है, जो भी टॉपिक रहेगा प्रॉपरली इसको एक्सप्लेन करो, ठीक है। इसके अंदर आपने क्लैरिफिकेशंस देनी है, क्यों वो हुआ, जैसे ना एक्सप्लेन में अगर आ गया रहा हाउ इट हैपेंड, है ना, व्हाई इट हैपेंड, हाउ इट हैपेंड, ये सारे एस्पेक्ट्स रहेंगे, हुआ क्यों, क्यों हुआ, कैसे होता है। अगर हमने ओवरऑल उसकी एक्सप्लेनेशन देनी हो वो यहां पर हो सकती है,
ठीक है। यहां पर स्पेसिफिकली अगर देखो ना, कई जगह कई बार क्या होता है, मीनिंग भी देना पड़ता है कुछ कॉन्टेक्स्ट में। अगर देखो स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में एक्सप्लेनेशन मांगी गई है तो ऐसा भी हो सकता है कि स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट हम क्या कहते हैं, किसी विशेष पॉइंट, एक स्पेसिफिक टाइम, स्पेसिफिक एरिया, कॉन्टेक्स्ट उस समय पर उस चीज के लिए। तो वहां अगर आप कई बार जब कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक आप यहाँ एक्सप्लेन पूछते हो तो उस समय पर आपको उसका मीनिंग भी एक्सप्लेन करना पड़ता है, उसका मतलब क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर रहेगा, हाँ कभी कभी डेफिनेशंस भी लिखनी पड़ती है एक्सप्लेनेशन के अंडर ना, जैसे किसी चीज को आप एक्सप्लेन कर रहे हो तो आप स्टार्टिंग में उसको डिफाइन करते हो, भले ही उन्होंने पूछा नहीं है, अगर आप उस आर्ग्यूमेंट को यूज कर रहे हो तो कभी कभी उसको पेपर में स्टार्टिंग में डिफाइन भी करना पड़ता है। अगर तो वो टर्मिनोलॉजी बहुत ज्यादा इन यूज है तब तो ठीक है, अदरवाइज अगर आप कुछ भी यूज कर रहे हो तो एक ना माइनर सी डेफिनेशन रहती है उसके अंदर। तो पॉवर्टी के बारे में 20 मार्कर लिख रहे हो तो थोड़ा सा पॉवर्टी भी तो लिखोगे, ठीक है ना। हेल्थ के बारे में कुछ इंडिकेटर्स के बारे में, जैसे मैटरनल मोर्टैलिटी रेट के बारे में लिख रहे हो, है ना, कि कितनी विमेन की डेथ हो रही है बच्चों को जन्म देते हुए, तो उस टाइम पर थोड़ा सा वो डिफाइन भी तो करोगे है क्या, उसका जो फॉर्मूला है एक लाइन में तो लिख ही दोगे ना कि कैसे वो फॉर्मूला है। तो हाँ यहाँ पर ये एस्पेक्ट्स भी रहते हैं, तो कभी कभी कॉन्टेक्स्ट है ना, उसके उसको डिफाइन भी करना पड़ेगा, मीनिंग देना पड़ेगा, कभी कभी आपको कैसे हुआ क्यों हुआ ये एस्पेक्ट्स भी लिखना पड़ता है, ठीक है। तो एक्सप्लेन, कहीं ना कहीं एक्सप्लेनेशन आप प्रॉपर देंगे, फिर इसी से जुड़ा जुड़ा कॉन्सेप्ट होता है जिसे इलैबोरेट की हम बात करते हैं। एक्सप्लेन, इलैबोरेट, ठीक है। किसी भी चीज को आपने जैसे देखो है तो यहां पर भी सेम सिमिलर वर्ड रहता है, डिफरेंस कहां रहेगा, कॉन्सेप्ट पहले से दिया हुआ है, ठीक है, वो शब्द है कोई कॉन्सेप्ट है वो आपको पहले से दिया हुआ होगा, आपको उस पर और इन्फॉर्मेशन देनी है, ठीक है। तो इलैबोरेट की ऑलरेडी देखो, जब एक्सप्लेन की हम बात कर रहे थे तो आपने उसको स्टार्ट करना है, मतलब आप उसको डिफाइन भी कर रहे हो, आप उसको एक्सप्लेन स्टार्टिंग में बता रहे हो ना, एक्सप्लेनेशन एक स्टार्टिंग वाली बात होती है, लेकिन जब हम इलैबोरेट की बात कर रहे होते हैं तो वहां पर क्या होगा कि कॉन्सेप्ट जो है ये ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है, ये गिवन है, इस पे बात होगी, ठीक है। आपने इसमें ज्यादा इंफॉर्मेशन देनी है। देखो जब आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो उस टाइम पर ऐसा भी हो सकता है, जब हम बात करते हैं कि आप एक सीरीज ऑफ लॉजिक दे सकते हो, आप चाहो है ना, आप बहुत सारे लॉजिक्स उसमें एक्सप्लेन कर सकते हो जिसकी हेल्प से आपकी जो स्टेटमेंट है उसको सपोर्ट किया जाए। अगर आपने स्टेटमेंट को सपोर्ट करना है उसके लिए आपको और लॉजिक्स भी देने पड़ रहे हैं, वो आप दे सकते हो। अगर कहा जाए ना कि कैसे एक इलैबोरेट ऑन दिस टॉपिक, तो कॉन्सेप्ट समझा हुआ है उसके बारे में और बातें बताओ, उसको और सपोर्ट करो, उसके बारे में और आर्ग्यूमेंट्स दो। ये चीज जब एक्सपेक्ट की जाती है तब आप इलैबोरेट शब्द यूज करते हो। फिर एग्जामिन, ठीक है, एग्जामिन की बात, जैसे एग्जामिनर शब्द हम यूज करते हैं तो एग्जामिनर का काम क्या होता है, ठीक है ना, जैसे देखना, जैसे आप एग्जामिनर क्या कर रहे हैं, भाई पढ़ो और इसको मार्क्स दो, वो होता है ना एग्जामिनर का काम, किसी भी चीज को ढंग से देखो उसमें मार्क्स देना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऐसी चीजें पूछी जाए, नॉर्मली एग्जामिन पे जब क्वेश्चन होता है ऐसी चीजों में पूछा जाता है कि काफी टाइम पास हो चुका है, जैसे क्वेश्चन है ये ना, जैसे मान लीजिए कोई भी एक स्कीम है ना उसको इम्प्लीमेंट करते हुए, जैसे मनरेगा की बात करें, मनरेगा को इम्प्लीमेंट करते हुए काफी टाइम हो चुका है, ठीक है। तो कुछ ऐसा आयुष्मान भारत आया है ना, तो अगर ओवर द पीरियड तो सफिशियंट टाइम अगर पास हो चुका है उस चीज में तो फिर उसको क्लोजली इंस्पेक्ट करना है, देखना है कि उसमें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, वो हमारा एग्जामिन के अंदर किया जा सकता है। यहां पर आप ये चीज एक्सपेक्ट कर सकते हो, जिससे कि एग्जामिनर को पता है, इन जनरल एग्जामिन टर्म यूज की जा रही है तो हम इसमें एक एक्सपेक्ट करते हैं कि जो बेसिक चीजें हैं एग्जामिनर को पता है
वो उसके ऊपर एड ऑन इंफॉर्मेशन चाहता है, वो आपसे चाहता है जैसे कि नए पर्सपेक्टिव्स लेके आप लाओ, ठीक है। तो इसमें ये एक्सपेक्ट किया जाएगा कि इंडिविजुअल जो है न्यू पर्सपेक्टिव, कि आप एक नया दृष्टिकोण सोचने का उसके सामने लाओ। और आपने इस तरह से जब आप आंसर लिख रहे हो, ये चीज ऐसे करनी है कि हाँ ऑलरेडी एग्जामिनर को कुछ चीजें पता है और वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि हम यहाँ पर इसमें क्या बात है, मतलब क्या हम कहना चाह रहे हैं, कुछ ऐसा नहीं होता, कुछ यूनिक पॉइंट्स है। एग्जामिनर हमसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि हम इसको ड्वेल करें, थोड़ा सा इसके अंदर जाएं, है ना, और उसके अंदर कुछ नई पॉइंट्स लेके आए, क्योंकि इन जनरल बातें पता है ना। और ये जनरली ऐसे क्वेश्चन में होता है एग्जामिन करने के लिए ना, जग जाहिर वाली चीजें होती है ऑलरेडी, ठीक है पता। तो अब कोविड है ना, कोविड के बारे में देखो बेसिक इन्फॉर्मेशन सबको होगी। अब वहां पर वो अगर आप कुछ है ना एग्जामिन करने के लिए बोल रहे कि रिसेंट कोविड सिचुएशन हुई थी, अब उस टाइम पर उसका इम्पैक्ट एग्जामिन करो हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में एग्जामिन करो। तो ये तो सबको पता है दिक्कत हुई है, क्या दिक्कत हुई है वो बताओ। तो यहाँ पर एग्जामिन करने के लोग कह रहे हैं, तो एक एग्जामिनर की तरह आप बैठो और उनको समझाओ ये चीज एक्सपेक्ट की जा रही है। फिर हम शब्द यूज करते हैं कमेंट, ठीक है ना, कमेंट के बाद कई बार कमेंट शब्द जैसे यूज किया जाता है। यहां पर देखो आपका ओपिनियन पूछा जा रहा है, आप पॉजिटिव भी सोच सकते हो, आप नेगेटिव भी सोच सकते हो, ये आपके डिस्क्रिशन है, ठीक है ना, बट आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ बस हाँ इस चीज को समझना, अब आप चाहो एक स्टांस लो, आप चाहो नेगेटिव स्टांस लो, क्योंकि आपको क्या लगता है। बट जब आप कुछ लिख रहे हो वो चीज वो ये ना कि ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपको ऐसा लगता था, ठीक है। यहाँ पर ये जो आपका कीवर्ड है ये डिमांड कर रहा है कि कोई फैक्ट हो, कि ऐसा नहीं है कि आपको ऐसा लगता था इसलिए आप कर रहे हो, ठीक है, कोई रिपोर्ट होनी चाहिए, ठीक है, कोई रिपोर्ट आप यूज कर रहे हो, कोई स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। तो यहां ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ऑलरेडी अगर आप कुछ बात कर रहे हो, कमेंट कर रहे हो, आर्ग्यूमेंट दो, और प्रेफर ये चीज की जाती है कि आप जब भी कुछ कह रहे हो विद आर्ग्यूमेंट दो, और हाँ हो सकता है तो दोनों एस्पेक्ट्स दो, ठीक है। अदरवाइज कई बार क्वेश्चन में एक ही साइड पूछी होती है, तो ऐसा हो सकता है कम मार्क्स के लिए है एक ही साइड, तो आप एक ही साइड दो। हाँ ज्यादा मार्क्स के लिए पूछा गया है, ज्यादा मार्क्स के लिए कमेंट है, तो उस टाइम पर आप ये कर सकते हो कि और भी एस्पेक्ट्स इसमें जोड़ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ एक बेसिक कमेंट करो किसी भी टॉपिक पे, ये पूछा जाता है, ठीक है। फर्दर अगर हम बात करेंगे कमेंट के अलावा, इलस्ट्रेट है ना, इलस्ट्रेट एक तरह से एक्सप्लेन की तरह ही है, कैसे ना कि कोई चीज कैसे काम करती है ये समझाना होता है यहां पर। तो आपने ओवर द पीरियड वो काम कैसे, जैसे एक्सप्लेनेशन होता है ना, तो आपने क्या करना है अगर इलस्ट्रेट शब्द यूज किया जा रहा है तो इसके लिए आप एग्जाम्पल्स, जैसे डायरेक्टली ना यही तो एक्सपेक्ट किया जाता है कि ना एग्जाम्पल दो, ठीक है। तो यहां पर विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, विद द हेल्प ऑफ डाटा, कोई भी आप ना स्टैटिस्टिक्स दो, उसकी हेल्प से चीज को एक्सप्लेन करो। कुछ भी हो सकता है, ये प्रोसेस हो सकता है, वर्किंग हो सकती है किसी चीज की, दोनों चीजें। बट यहां पर क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि स्पेसिफिकली आप एग्जाम्पल्स को, बिना एग्जाम्पल के नहीं, तो इलस्ट्रेट इसको एक्सप्लेन करना। फर्दर अगर हम देखेंगे ये प्रश्नों में, यहां इलस्ट्रेट के साथ डेमोन्स्ट्रेट, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेट में क्या होगा, देखो यहां भी एग्जाम्पल एक्सपेक्ट किया जा रहा है, बट ये एग्जाम्पल ज्यादा स्पेसिफिक होते हैं। जैसे डेमोन्स्ट्रेट अगर हम शब्द यूज करते हैं ज्यादातर ना, हम देखोगे साइंस के एक्सपेरिमेंट्स में हम डेमोन्स्ट्रेशन की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो एग्जाम्पल होगा, यहाँ डेमोन्स्ट्रेट का एग्जाम्पल ज्यादा स्पेसिफिक होता है, ज्यादा लोकलाइज्ड होता है। आप ये चीज नहीं कर सकते कि है ना अपने हिसाब से बनाए, यहाँ
स्पेसिफिक एग्जांपल एक्सपेक्ट किया जा रहा है, ठीक है, जो इन जनरल वहां पर यूज किया जाता है, तो डेमोन्स्ट्रेट के अंदर आप इसको यूज करेंगे स्पेसिफिक एग्जांपल के साथ। फिर हम शब्द यूज करते हैं इवैल्यूएट, ठीक है, इवैल्यूएट शब्द यूज किया जाता है, एनालाइज शब्द यूज किया जाता है, और स्पेसिफिकली इसमें भी इसे क्रिटिकली शब्द हम यूज कर लेते हैं कई बार, क्रिटिकली जैसे इवैल्यूएट में भी हम क्रिटिकली इवैल्यूएट यूज करते हैं, एनालाइज में भी हम क्रिटिकली एनालाइज यूज कर सकते हैं। इवैल्यूएट शब्द जब आप यूज कर रहे होते हो, एग्जामिनर क्या एक्सपेक्ट करता है आपसे इस टाइम पर, जब आप आंसर लिख रहे हो, जो इशू है इशू को तोड़ो और उसको छोटे छोटे पार्ट्स में बना दो, ठीक है, हम क्या कहेंगे, जो इशू रहेगा इस इशू को ब्रेक करो, ठीक है, छोटे छोटे पार्ट्स में इसको ब्रेक करो, फिर उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करो। हर एक पार्ट जो भी आपने देखा, देखो इनिशियली क्या बात करी, उसको तोड़ दो, ठीक है, अलग की इसमें दो तीन चीजें हैं, फिर हर पार्ट को एक्सप्लेन करने की कोशिश करना है, ठीक है ना, यहां पर आएगा, वहां पर आप आर्ग्यूमेंट चूज करो, जैसे आपने कहा ना कि ब्रेक करके आपने अलग अलग पार्ट बना दिए, अब आप यहां पर आर्ग्यूमेंट दे सकते हो, ठीक है, अलग अलग आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं, अलग अलग फैक्ट्स दे सकते हैं, आर्ग्यूमेंट्स और फैक्ट्स की हेल्प से आप इस चीज को इवैल्यूएट करेंगे। हाँ, यहां पर आप वही देखो ना, क्यों हम किसी चीज को इवैल्यूएट जब कर रहे होते हैं, तो प्रोज एंड कॉन्स जब ब्रेक कर रहे हैं ना, बेनिफिट क्या है, है ना, प्रोज क्या है, कॉन्स क्या है, दोनों साइड देखी जा सकती है यहां पर इवैल्यूएशन के टाइम पर, और फिर फाइनली आप कर सकते हो जो आपको ज्यादा वे करती हुई लग रही है उसको आप फाइनली की, ये मेरा आर्ग्यूमेंट लास्ट में रहेगा। जब इवैल्यूएट कर रहे हो, प्रेफर किया जाता है कि दोनों साइड्स पे फोकस करो, ठीक है, अगर इवैल्यूएशन के सिर्फ एक ही तरफ का आर्ग्यूमेंट देके आप आंसर नहीं कर सकते, यहां दोनों एस्पेक्ट्स आपसे एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं, पॉजिटिव भी देखो नेगेटिव भी देखो, यही चीज हम एनालाइज में भी देखते हैं, जैसे एनालाइज है इवैल्यूएट है दोनों ना एक जैसे शब्द है यहाँ पर, तो छोटे छोटे टुकड़ों में उसको तोड़ो, एनालाइज करो, फायदे बताओ नुकसान बताओ किसके, लेकिन ऐसे ही नहीं, आपको आर्ग्यूमेंट और फैक्ट यूज करने पड़ेंगे, और इसके बेसिस पर फाइनली आप फिर एक जजमेंट पर पहुंचते हो जो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे थे, जैसे इवैल्यूएट शब्द जिसके लिए प्रयोग में लाया जा रहा था। फिर इल्यूसिडेट, इल्यूसिडेट क्या है, एग्जाम्पल के साथ समझाओ, ठीक है, अगर इल्यूसिडेट शब्द यूज किया गया है तो उस टाइम पर आपको एग्जाम्पल देना है और एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करना है एग्जामिनर को, तो स्पेसिफिकली एग्जाम्पल देना इसमें कंपल्सरी हो जाता है। फिर नेक्स्ट इन्यूमरेट, इन्यूमरेट क्या है, आपको एग्जाम इसमें क्या होता है, पॉइंट्स देने हैं, जैसे इसमें स्पेसिफिकली आपको जैसे लिस्ट आउट भी कई बार वर्ड यूज करते हैं, तो अगर एन्यूमरेट शब्द यूज किया गया है तो उस टाइम पर आपको पॉइंट्स बताने हैं, ठीक है, पॉइंट फॉर्म में लिखना है, चार चार पॉइंट, जैसे एक आर्ग्यूमेंट है उस आर्ग्यूमेंट के अंदर पांच पॉइंट, दूसरा आर्ग्यूमेंट है उसके अंदर पांच पॉइंट, इस तरीके से आपने एन्यूमरेट के अंदर आंसर करने हैं। तो ये टर्म रही। फिर असेस, असेस में क्या होगा कि आपने वे करना है कि कोई चीज किस एक्सटेंट तक ट्रू है, ठीक है ना, मान लीजिए वो ट्रू है या नहीं है, असेस में एक्सपेक्ट किया जाता है कि कितनी ट्रू है ना, टू व्हाट एक्सटेंट समथिंग इज ट्रू। तो यहां पर जो रीडर है, जो आपका आंसर पढ़ रहा है, उसको आपने आर्ग्यूमेंट्स एग्जाम्पल साइट करने होते हैं, कोई रिसर्च पेपर साइट करना होता है, और यहाँ पर जो ये कहा जाता था कि फ्लॉज जो होती है कॉन्सेप्ट्स में उसको आप उजागर करते हो, यहाँ आप एक आर्ग्यूमेंट दोगे उसको काउंटर आर्ग्यू करोगे, और फिर जो आप फाइनली एक प्रोपोजिशन लाते हो, जैसे ओरिजिनल प्रोपोजिशन जो थी, आप क्या उस आर्ग्यूमेंट को मान रहे हो या नहीं मान रहे हो, ठीक है ना। तो जब एसेस में है तो एसेस में आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि आप इस कंटेंट को एनालाइज करो, इस प्रोपोजिशन को एनालाइज करो, और उसके बेसिस पर आप अपना आर्ग्यूमेंट दो, ठीक है। तो यहां पर भी वही रहेगा, आप थोड़ा सा पॉजिटिव जाएंगे, थोड़ा सा नेगेटिव जाएंगे, आप उसको स्टडी करेंगे,
ठीक है। लेकिन हाँ यहां पर ये चीज देखी जाएगी कि किस एक्सटेंट तक वो आर्ग्यूमेंट ट्रू है, ये आपने बताना है। ऑब्वियसली अगर कोई आर्ग्यूमेंट आया है उसमें कुछ ना कुछ सच्चाई तो है, ऐसा होता ना, किसी एक कॉन्टेक्स्ट में वो बात ठीक है, किसी कॉन्टेक्स्ट में वो बात गलत है, ठीक है। हमारे देश में ना बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ की बहुत ज्यादा जरूरत है, कहां, राजस्थान बिहार, ठीक है। अब केरला में चले जाओ और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ करो, है ना, वहां ऑलरेडी सेक्स रेशियो अच्छा है, एजुकेशन अच्छी है। तो वही बात है ना, एक कॉन्टेक्स्ट में मेरी बात ठीक हुई ना, एक कॉन्टेक्स्ट में मेरी बात गलत होगी। तो जब एसेस कर रहे हैं तो हम यही चीज देख रहे हैं, तो व्हाट एन एक्सटेंट जो वो आर्ग्यूमेंट था वो ट्रू है या नहीं, ठीक है, ये इसके अंदर हम देखेंगे असेस के अंदर। नेक्स्ट यहां पर से कंपेयर, कंपेयर शब्द यूज होता है, कॉन्ट्रास्ट शब्द यूज होता है, ठीक है। कंपेयर में क्या है, दो चीजों के बीच में होता है, तो कंपेयर में आपको आइडेंटिफाई करना है कि सिमिलैरिटी क्या है दो में, फिर डिफरेंसेस क्या है दोनों में, वो चीजें बतानी होती है कि कोई भी एक फिनोमिना है या दो से ज्यादा फिनोमिना, जनरली दो फिनोमिनास होंगे, ठीक है। तो आपने कंपेयर में क्या है कि एक एस्पेक्ट देखना है उसका कि दोनों के बीच में सिमिलैरिटी क्या है और डिफरेंस क्या है, तो ये कंपेयर करते हैं। कंट्रास्ट इसके उसमें रहेगा, देखो जब हम कंपेयर की बात कर रहे होते हैं ना, तो यहाँ सिमिलैरिटी और डिफरेंस, यहाँ वो ये कि डिफरेंसिएशन दोनों में नहीं रहे, कंट्रास्ट की जब हम बात करते हैं, कंट्रास्ट शब्द यूज करते हैं, तो यहाँ क्या होता है, आपको डिफरेंस पे ज्यादा फोकस करना होता है, डिससिमिलैरिटी पे ज्यादा फोकस करना होता है, ठीक है। कंपेयर में दोनों चीजें देख रहे हो, आप पॉजिटिव भी देख रहे हो, यानी कि कहां पर दोनों चीजें मिल रही है, एक जैसी है, सिमिलर है, कहां पर दोनों चीजों में फर्क है, और कंट्रास्ट में फर्क पे ज्यादा फोकस है, ठीक है। और स्पेसिफिकली कौन सा एक ना सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, ऐसा कुछ आर्ग्यूमेंट ऐसे होते हैं जिससे डिफरेंस एकदम क्लियर हो जाता है, आपने उन आर्ग्यूमेंट्स को लेके आना है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें रह जाते हैं, क्योंकि जिससे दो चीजों के बीच में बिल्कुल क्लैरिटी हो जाए, ठीक है। इस तरीके से आप यहां देखोगे तो कंपेयर और कॉन्ट्रास्ट दोनों शब्द यूज किए जाते हैं। फर्दर शब्द यूज किया जाता है क्वेश्चन में, गिव एन अकाउंट फॉर, ठीक है ना, या गिव एन अकाउंट ऑफ। गिव एन अकाउंट की ऑफ की अगर हम बात कर रहे होते हैं, इसमें एक डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन एक्सपेक्ट की जाती है, ठीक है। जैसे अकाउंट फॉर है, अकाउंट फॉर एक अलग शब्द है, गिव एन अकाउंट फॉर, ये अकाउंट ऑफ एक अलग एस्पेक्ट रहेगा। तो यहां पर अगर जैसे अकाउंट फॉर की बात कर रहे हैं, वहां पर क्या होगा, एक ही एस्पेक्ट, नॉट ओनली व्हाट, जैसे हम कहते हैं कि एक ही एस्पेक्ट में नहीं जाएंगे कि लेकिन वो हो क्यों रहा है, ये चीज भी यहां पर बतानी पड़ेगी। तो ओवरऑल अकाउंट में क्या कह रहे हैं कि ओवरऑल डिस्क्रिप्शन दो, ठीक है, उसको एक्सप्लेन करो, कोई भी जो इसमें जैसे ना गिव एन अकाउंट ऑफ द इवेंट्स दैट हैपन ड्यूरिंग द रीन ऑफ संसार चंद या साहिल वर्मन, तो आपको अकाउंट देना, एक डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन देना है। और इसमें अकाउंट फॉर जो है उसको थोड़ा सा अलग लगता है, अकाउंट फॉर में हम क्या कहेंगे कि इसमें कुछ क्यों हुआ ऐसा बताना है, ठीक है, ऐसा क्यों हुआ, अकाउंट फॉर दिस, क्योंकि वो एक सिचुएशन क्यों पैदा हुई, इस चीज को आपको बताना पड़ेगा। यहां सिंपल है, गिव एन अकाउंट ऑफ, एक डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन देनी है। फिर टू व्हाट एन एक्सटेंट, ठीक है ना, टू जैसे हाउ फार की तरह ही है, हाउ फार दिस हैज हैपेंड, हाउ फार शब्द की तरह इसमें होगा। यहां पर एविडेंस को यूज करते हुए, आर्ग्यूमेंट को यूज करते हुए आपने देखना है कि मतलब जो क्वेश्चन में पूछी गई चीज है कि वो किस तरीके से एक्सप्रेस की गई है, और यहां पर अल्टरनेटिव्स भी एक्सप्लोर करने हैं, ठीक है। जैसे बात कर रहे हैं टू व्हाट एन एक्सटेंट दिस हैपेंड, तो कितना वो चीज हुई पहले ये देखो, और दूसरा एस्पेक्ट फिर क्या है कि यहां उसके अल्टरनेटिव्स भी साथ में आप एक्सप्लोर कर सकते हो अगर क्वेश्चन की वो डिमांड रहेगी। हाँ, जैसे आप आर्ग्यूमेंट दे रहे हो थॉरली असेस करना होता है, हाउ फार दिस हैज हैपेंड, उसी तरीके से टू व्हाट एन एक्सटेंट इंडिया हैज ग्रोन इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हिंदुस्तान किस एक्सटेंट तक ग्रो किया है, ठीक है। आर्ग्यूमेंट के साथ हेल्प आपने करनी है, और हाँ दूसरी तरफ जा सकते हैं, अल्टरनेटिव्स भी शो कर सकते हैं। फिर क्रिटिकली एग्जामिन, क्रिटिकल देखो मेन क्या है, क्रिटिकल
बाकी एग्जामिन हमने देखा, ठीक है, एनालाइज हम इवेल्युएट करना कैसे ये हमने देख लिया, आता है कि क्रिटिकली कैसे करें, ठीक है, क्योंकि इसी पे लोग फंसते भी है कि क्या, तो क्रिटिकली में कंफ्यूजन क्यों हो रहा है, क्योंकि जो आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट किया जा रहा है वो सही है, इश्यू ये होता है जो कहा जाता है, जैसे लोगों के दिमाग में क्या होता है क्रिटिकल एनालिसिस में क्या करना है कि जो स्टेटमेंट है उसको क्रिटिसाइज करना है, जनरली ऐसा बोलते हैं कि क्रिटिसाइज करना, बट आप इस चीज को समझो ना, जो आर्ग्यूमेंट दिया हुआ होगा वो अपने आप में ठीक होगा, तब दिक्कत, नॉर्मली तो ठीक है, अगर एक सिंपल सा पॉइंट है तो आप उसको क्रिटिकली, जनरली वो आर्ग्यूमेंट सही है, फिर कैसे उसको क्रिटिकली एनालाइज करें, कैसे एग्जामिन करें, कैसे क्रिटिकली इवैल्यूएट करें, जब ये आता है। देखो कोई भी चीज जब कही जाती है वो एक कॉन्टेक्स्ट में कही जाती है, ठीक है ना, एक कॉन्टेक्स्ट में वो चीज सही है, एक कॉन्टेक्स्ट में वो चीज गलत है, बस ये अंडरस्टैंडिंग आपने रखनी है। बेसिकली आपने क्या करना है, एक कॉन्टेक्स्ट को आइडेंटिफाई करना है। मान लीजिए जैसे इंटरव्यू में हम बात कर रहे हैं, ठीक है, आपसे बात हुई कि आपने शुरू में बोल दीजिए मैं तो गांधी जी का बड़ा आर्डेंट फैन हूँ। अच्छा, बोले गांधी जी क्या बात आपको बहुत बढ़िया लगी, मेरे को क्या बढ़िया लगा जी कि गांधी जी वायलेंस के खिलाफ है, नॉन वायलेंस, है ना, मेरे को अहिंसा परमो धर्म, मेरे को बहुत बढ़िया बात लगती है, बस बढ़िया है। फिर इंटरव्यू आगे चलता रहा, फिर बीच में क्या हो गया, क्वेश्चन पूछ लिया, अरे यार मान लो तुम्हारे को पुलिस में, अब तुम्हारा आईपीएस या एचपीएस बन गए हो और अब भीड़ आ गई, ठीक है, लड़ाई हो रही है, लोग सामने से आगे पत्थर लेके आए हुए हैं, है ना, तो क्या करोगे, ठीक है, और पत्थर की जगह आप क्यों उनके पास तलवारें हैं, जहाँ बोलो नहीं सर पत्थर है तो ऐसे आंसू गैस कर देंगे, थोड़ा बहुत है पानी मार देंगे इससे, वो थोड़ा उनको बोल देंगे, है ना, माइक पे बोला, अच्छा बोले तलवारें हैं उनके पास, ठीक है, फिर और कर देंगे, तुम्हें अपने लोगों का भी ध्यान रखना, पुलिस जितने लोग है तुम उनके हेड हो, पीछे तुम्हारे है मासूम जनता है, मासूम जनता भी खड़ी कर देंगे, है ना, कि बच्चे और माए हैं उनको भी तुमने प्रोटेक्ट करना है, एक गाँव के सामने खड़ा कर दिया तुमको, आगे लोग तलवार लेके आ रहे हैं, अब क्या तुम गोली चलाने का ऑर्डर दोगे, तुम जो मर्जी कर दो, ठीक है तुमने पानी चला दिया सब कुछ कर दिया, नहीं मानेंगे, और बाद में तुमसे उन्हें चलवानी गोली, तो क्या तुम चलाओगे, चला देंगे भाई, रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटी है उस टाइम पर, फिर दोबारा से आ जाएंगे, अरे शुरू में तो तुम नॉन वायलेंस की बात कर रहे थे, अब तुम है, अब तो तुम गोली चलाने पे आ गए, ठीक है, तो एक कॉन्टेक्स्ट में हमने जो बात कही थी वो ठीक थी, एक कॉन्टेक्स्ट में वो बात चेंज हो जाती है, तो उस टाइम पर अगर आप इस चीज को पकड़ो कि सर कॉन्टेक्स्ट, इस कॉन्टेक्स्ट में ये आर्ग्यूमेंट ठीक है, इस कॉन्टेक्स्ट में ये आर्ग्यूमेंट गलत है, तो बस ये ध्यान रखना, जब कोई स्टेटमेंट दी है एक कॉन्टेक्स्ट में वो स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन दूसरे कॉन्टेक्स्ट में वही स्टेटमेंट गलत हो जाती है, ठीक है, आपने अगर आप इस चीज को समझ पाओ फिर आपको ऑटोमेटिकली उसको क्रिटिसाइज करने के आर्ग्यूमेंट दिख जाते हैं, जैसे कोई कहे ना डैम आर द कॉजेज फॉर लैंडस्लाइड, ये ब्लैंकेट स्टेटमेंट है क्रिटिकली एनालाइज, डैम्स आर द कॉज फॉर लैंडस्लाइड, तो अब देखो अपने आप में ठीक भी है, कॉज है, बट वही लैंडस्लाइड के और भी कॉजेज है, किन स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में ये बात ठीक भी है, कुछ में हम इसको ही पूरी तरह से एक रीजन नहीं मान सकते हैं, और भी चीजें एंथ्रोपोजेनिक और भी रीजन रहेंगे, ठीक है, तो जो कॉन्टेक्स्ट है इसकी हम बात कर रहे होते हैं। हाँ, इसको जब आप लिख रहे हो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो आपका स्टांस है वो बैलेंस्ड होना चाहिए, ठीक है ना, बेसिक उसका मतलब क्या होता है, आर्ग्यूमेंट के बेसिस पर बोलो, ठीक है, अब जैसे चौरा चौरी में गांधी जी ने ना, गांधी जी अब उनको ले आओ ना बीच में नॉन वायलेंस में, अगर आप बात कर रहे हो तो आर्ग्यूमेंट किसी और के बेसिस पे, किसी फैक्ट के बेसिस पे, किसी आर्ग्यूमेंट के बेसिस पर अगर आप कह रहे हो तो उस टाइम पर आपका आर्ग्यूमेंट बैलेंस्ड लगता है, अदरवाइज वो बायस्ड लगता है, वही हम बात कहेंगे कि या तो कोई फैक्ट होना चाहिए या उसके साथ कोई चीज जुड़ी होनी चाहिए, इस तरीके से आप कीवर्ड्स को यूज कर सकते हो। यहां पर अगर आप समझने की कोशिश करो ना, जैसे हमने अभी तक जो भी कीवर्ड्स की बात करी थी, स्टार्टिंग के जो कीवर्ड्स हमने डिस्कस किए थे, है ना, जैसे हम बात कर रहे हैं कि जैसे एक्सप्लेन है, डिस्क्राइब है, इलैबोरेट है, डिस्कस है, इन चीजों में आप ऐसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एग्जामिनर को आइडिया नहीं है, ऐसा नहीं होता कि जब आपसे ये पूछा जा रहा है ना कि एक्सप्लेन करो, तो आप ये नहीं कर सकते कि इतना तो एग्जामिनर को पता ही होगा। जब हम बात करते हैं एग्जामिन से, एग्जामिन शब्द है, तो एग्जामिन में हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एग्जामिनर को पहले से ऑलरेडी पता है
उसके ऊपर हमने कुछ ऐसे आर्ग्यूमेंट्स देने हैं जो थोड़े डीप हो, ट्रेंड्स कुछ स्टैटिस्टिक्स के कुछ पर्सपेक्टिव्स हमने देने हैं, एक नया पर्सपेक्टिव लाना है। बट बाकी जैसे वर्ड्स होते हैं जैसे डिफाइन है, डिस्कस है, एक्सप्लेन है, इलैबोरेट है, ऐसे कंसिडर करो जैसे एग्जामिनर को पता ही नहीं है, पहली बार वो चीज पढ़ रहा है, उस हिसाब से हमने उसको आंसर करना है। इसका क्या मतलब है, अगर छोटा फैक्ट भी पता है उसमें आंसर नंबर मिल सकते हैं वो डाल देना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये तो तुच्छ सा फैक्ट है, इसको कैसे लिखें, ठीक है, क्या वो ठीक है, क्या वो कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड है, क्या उसमें नंबर मिल जाएंगे। देखो अगर उसमें नंबर मिल जाएंगे तो फिर उसको यूज किया जा सकता है, ठीक है, इस तरीके से वही रहेगा। जब भी क्वेश्चन पढ़ रहे हो ना, क्वेश्चन पढ़ते हुए वही होता है कि एक बार जब आपने क्वेश्चन पढ़ा तो कीवर्ड्स का ध्यान रखना है। कीवर्ड्स को ध्यान में रखने से क्या होता है, हमको ये समझ आता है एग्जैक्टली एग्जामिनर पूछने की क्या कोशिश कर रहा है, ठीक है, उन आर्ग्यूमेंट्स को समझ के फिर उसको आंसर करना। और एक चीज समझना, जब आंसर कर रहे हो उस टाइम पे एक तो इतना आप वो चीज आंसर तो कर ही रहे हो, एग्जामिनर को भी शो करना है भाई साहब जो पूछा है वो आंसर कर रहा हूं, ठीक है ना। तो जब भी जैसे आपका एक नया पैराग्राफ शुरू हो रहा होता है या जब आप चेंज करो, एक एस्पेक्ट आंसर कर दिया आप दूसरे एस्पेक्ट पे शिफ्ट कर रहे हो, तो वही अब एक शिफ्ट हो रहा है ना, तो आपने अब वही कीवर्ड्स पे इम्फोसाइज करना है कि एग्जामिनर को ये फील होना चाहिए कि जो कीवर्ड उसने दिया था, जो उसने पूछा था, आप उसी को आंसर कर रहे हो। तो इंट्रोडक्शन में भी एक रेफरेंस उसके बारे में थोड़ा सा इशारा उधर होना चाहिए, फिर जब आप कोई एक आर्ग्यूमेंट स्टार्ट कर रहे हो तो उसको पूरा किया तो वहां पर एक इशारा है ना, फिर जब आपने सेकंड आर्ग्यूमेंट दिया उस टाइम पर दूसरे कीवर्ड पे इशारा, और फाइनली कंक्लूजन के टाइम पर कि सर जो आपने पूछा था वही आंसर किया है। अगर इस तरीके से आप आंसर करोगे तो एग्जामिनर को ये लगता है कि ठीक है ना, जो पूछा वो आंसर किया, अदरवाइज फिर क्या आर्ग्यूमेंट आता है, क्या लगता है, अपने मन से बना गया लड़का, ठीक है ना, वो चीज नहीं होनी चाहिए भली। और कई बार ऐसा होता है आपको पता सारा था बट अगर आप एग्जैक्ट उन कीवर्ड्स को नहीं एड्रेस कर रहे हो, वही जैसे हम कहेंगे 1857 का क्वेश्चन था ना, तो वहां पर पहला क्वेश्चन था ना रिवोल्ट की बात हुई थी, सिपाही म्यूटिनी, क्रिटिकल नोट, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि हम अगर इस कीवर्ड को स्पेसिफिक छोटी छोटी जो चीजें रहेंगी ना, एक तो क्रिटिकल नोट है इसको छोड़ दिया, हाईलाइट करो, ठीक है ना, एक क्रिटिकल नोट लिखो तो वहां पर आप फोकस कर सकते हो, ठीक है। तो ये मेजर छोटे छोटे पॉइंट्स रहेंगे जिनका ध्यान रखना है क्वेश्चन लिखते हुए।